Watching Code Keen. So, इस वीडियो में बनाएंगे एक ब्लॉग एप्लीकेशन और वो ब्लॉग एप्लीकेशन काफी ज्यादा एडवांस लेवल पे हुआ की इसमें हम पहले तो ई मेल वेरिफिकेशन कराएंगे और उसके बाद में मतलब रेडिस ऐड करेंगे और बहुत सारी चीज़ें होंगी मतलब कैसे एक पर्टिकुलरली एक ब्लॉग एप्लीकेशन बनाते हैं जिसको हम स्केल अप कर सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अगर यूज़र आते हैं तो वो भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेगा तो इन सब चीज़ों को देखेंगे और ये बेसिकली ये थीम है जो मैंने डाउनलोड करी है उसका लिंक क्या चाहिए होगा तो ये कोड आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में या गिटअप कोड पर ठीक है उसको फॉलो कर सकते हैं तो ये पूरी एक थीम है कि यहाँ पर मतलब सपोज दैट ये आपका होम पेज हो गया यहाँ पर सारे ब्लॉग के कार्ड आएंगे जब इस पर क्लिक करेंगे तो ब्लॉग एप्लीकेशन होगा और ये इसका लॉग ठीक है तो बेसिकली ये ब्लॉक एप्लीकेशन की टेम्पलेट होने वाली है तो इसको हम लोग यूज़ करेंगे अपने प्रोजेक्ट में तो अब स्टार्ट करते हैं अपने एप्लीकेशन को अपने जाएंगे एप्लीकेशन को अब हम चलते हैं अपने फोल्डर के अंदर जहाँ पे चीज़ों को इंस्टॉल करेंगे ठीक है तो चलते हैं अपने फोल्डर के अंदर और ये टेम्पलेट नाम से है और ये वर्चुअल इन्वायरमेंट नाम पहले मैंने बना लिया ठीक है तो अब करते हैं क्या इसके अंदर सबसे पहले इंस्टॉल करते हैं जेंगो क्योंकि जेंगो हम यूज़ करेंगे फ्रेमवर्क को पूरे एंटायर प्रोजेक्ट को बिल्ड करने में तो लिखेंगे पेपन इंस्टॉल जेंगो जा, तो जैसे ही हमारा जेंगो इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद हम इसको कोड करेंगे तो अपने इस प्रोजेक्ट को वी एस कोड में खोल लेते हैं पहले तो प्रोजेक्ट बना लेते हैं उसके बाद ही वी एस कोड में खोल पाएंगे ठीक है तो ये हमारे जेंगो इंस्टॉल हो रहा है और वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाने के लिए बहुत ईजी होता है पेपर इंस्टॉल वर्चुअल ई एन वी कर लीजिए अपने अपने सिस्टम के अंदर उसके बाद वर्चुअल ई एन वी ई एन वी करेंगे तो वैसे ही हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट बन जाएगा और वर्चुअल इन्वायरमेंट हमेशा प्रोजेक्ट तो के अंदर बनाना चाहिए क्योंकि क्या पता हमें इस प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करना हो तो जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स होंगी इस प्रोजेक्ट को बनाने में तो वो सेपरेट एक वर्चुअल इन्वायरमेंट में होंगी ठीक है उसके बाद अब हम हमारे अंदर जेंगो हमारे प्रोजेक्ट के अंदर जैंगो इंस्टॉल हो चुका है तो अब हम जेंगो की मदद से अपना एक प्रोजेक्ट बनाएंगे तो जेंगो टाइप करेंगे जेंगो जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट ब्लॉग तो ब्लॉग नाम से हम एक प्रोजेक्ट बनाते हैं ठीक है ब्लॉग नाम से बन चुका है अब हम इसमें आपको दिखाते हैं कि कौन कौन सी फाइल्स हमें मिलती हैं तो ये हमें फाइल्स मिली हुई हैं जेंगो की तरफ से जो फाइल्स होती हैं जो सबसे मेन जो फाइल होती है वो मैनेज डॉट पी वाई होती है इसी फाइल से हम इस फाइल को यूटिलाइज करके हम अपने अपने ऐप बनाते हैं अपनी माइग्रेशन रन करते हैं अपने बहुत सारी चीज़ें करते हैं ठीक है थीके? उसके बाद अब ये कंप्लीट हो गया ये प्रोजेक्ट बन चुका है हमारा अब इसके अंदर हमें एक ऐप बनाना होगा तो ऐप बनाने के लिए हम, लिए हम लिखते हैं पाइथन मैनेज डॉट पी वाई स्टार्ट ऐप ऐप का नाम हम लिख देते हैं होम ठीक है home, तो ये हमारा होम नाम से ऐप बन चुका है अब इसके अंदर जो जो फाइल्स होंगी वो होंगे हमारी मॉडल्स होंगे और व्यूज होंगे इन सर इस तरीके की फाइल्स होंगी एडमिन डॉट पी वाई होगी ठीक है अब हम क्या करते हैं अपने होम में चलते हैं और इसके अंदर जो मॉडल बना लेते हैं अपना ठीक है तो सबसे पहले हर एक हम अपने डीबी को बात कर लेते हैं डीबी के अंदर क्या क्या चीजें होंगी तो सबसे पहले जो ब्लॉग एप्लीकेशन होता है फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी इमेज होती है देन उसके बाद इमेज के बाद उसका टाइटल होता है उसके बाद उसका कंटेंट होता है कंटेंट कब क्रिएट किया गया कब अपडेट किया गया ये सारी चीज़ें होती हैं ओके okay? और उस ब्लॉग उस पर्टिकुलर ब्लॉग को लिखने वाला पर्सन कौन है तो यहाँ पे एक चीज़ आएगी फ़ॉरन की तो फ़ॉरन की हम पहले समझ लेते हैं फ़ॉरन की क्या होता है जो एक डेटा होता है सपोज दैट अगर आपका एक ब्लॉग एप्लीकेशन है तो आप ऐसा तो है नहीं कि सारी की सारी चीज़ें उसी में इस्ट, स्टोर करा दोगे मतलब यूज़र के बाद यूज़र की इनफॉमेशन फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल उसका पासवर्ड उसके बाद उसकी ब्लॉक का सारी चीज़ें तो इन इस ये बहुत ज़्यादा बैड प्रैक्टिस हो जाती है इसमें आपको नॉर्मलाइजेशन यूज करना होता है तो नॉर्मलाइजेशन यूज करने के लिए हम फॉरिन की मतलब चीज़ें रिटर्न डेटा जो होता है उनको हम सेपरेट टेबल बना लेते हैं और वहाँ से उनको यूज करते हैं ठीक है तो ये चीज़ें होती हैं तो फॉरन की हम यूज़ करेंगे एज़ आ यूज़र के लिए और उसके बाद में ब्लॉक की जो भी टेबल्स होती हैं जैसे इमेज हो गया टाइटल हो गया उसका कंटेंट हो गया तो ये सारी चीज़ें हम एक अपना ब्लॉग एप्लीकेशन ब्लॉग नाम से टेबल बनाएंगे क्लास बनाएंगे उसको यूज़ करेंगे ठीक है तो चलते हैं सबसे पहले अपने जेंगो और हम इसमें जो बिल्ट इन जेंगो का यूज़र मॉडल होता है उसको यूज़ करेंगे अपने यूज़र के लिए तो उसको इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम जंगो डॉट ऑट डॉट सॉरी फ्रॉम जैंगो डॉट कंट्री डॉट ऑट डॉट मॉडल्स इंपोर्ट यूजर तो यूजर को हमने इंपोर्ट कर लिया अब हम बनाते हैं यहां पर क्लास नाम से किस नाम से ब्लॉग नाम से ब्लॉग मॉडल नाम से हमने क्लास बना ली ठीक है ओके अब, अब ये क्या करेगा इसके अंदर सबसे पहले तो क्या होगा टाइटल होगी और टाइटल के अंदर मैक्स करेक्टर थाउजेंड दे सकते हैं सपोज दैट किसी और पर्सन को और ज्यादा लिखना हुआ उसके बाद में उसका क्या होगा ब्लॉक कंटेंट होगा तो ब्लॉक कंटेंट इज इक्वल टू मॉडल फील्ड टेक्स फील्ड करेंगे अभी हम इसमें एक लाइब्रेरी यूज करेंगे फ्लोरा फ्लोरा को वो एक एडिटर होता है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग एडिटर होता है मतलब उसमें आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं टेबल बना सकते हैं इमेजेस अपलोड कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ें होती है तो उसको हम इंटीग्रेट करेंगे अभी यहाँ पे तो अभी हम ऊपर ऊपर का मॉडल बना रहे हैं देन उसके बाद हम इसमें चीज़ें ऐड ऑन करेंगे ठीक है तो फ्लोरा हो गया एक बार देख लेते हैं आवाज़ रिकॉर्ड हो रही क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है क्योंकि कई बार मैंने वीडियोज़ रिकॉर्ड किए हैं और उसके बाद आवाज़ें नहीं रिकॉर्ड होती तो बड़ा खराब लगता है यार कि मतलब पूरी मेहनत एक एक घंटे तक लेक्चर दिया उसके बाद अच्छा आवाज़ ही नहीं रिकॉर्ड हो रही बहुत ज़्यादा इशू होता है ठीक है चलो वो क्या अलग बात हो गई टाइटल हो गया कंटेंट हो गया ठीक है अब उसके बाद हर एक ब्लॉक के अंदर एक होती है क्या स्लग फील्ड तो स्लग यहाँ पे लिखेंगे ठीक है इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट स्लग फील्ड स्लग फील्ड ठीक है मैक्स लेंथ इसकी दे देंगे हजार की उसके बाद में इसकी होगी क्या इमेज हो गया मॉडल्स डॉट इमेज फील्ड और ये अपलोड हम करेंगे कहाँ पे अभी हम अपनी डायरेक्टरी बनाएंगे स्टैटिक की उसके अंदर ये सारी चीज़ें अपलोड करेंगे ब्लॉग हो गया उसके बाद में ब्लॉग इमेज होगी उसके ब्लॉग कंटेंट हो गया और क्रिएटेड एट अपडेटेड एट क्रिएटेड एट अपडेटेड ऐट और ये देखो ऐड नो क्या करता है जिस टाइम ये ब्लॉग बन रहा होगा उस टाइम पे ये ऐड नो कर देगा दोबारा अगर आप इसको क्रिएट करोगे या इसमें चीज़ें अपडेट करोगे तो इस पर नहीं होगा कुछ क्रिएटेड ऐट मतलब क्रिएटेड एट वन टाइम चलता है जब आप लिखते हो ऑटो नो एट ट्रू ऑटो ना ऐड ट्रू का मतलब हो गया कि वन टाइम जैसे ही जब ये इसका ब्लॉग मॉडल का इंस्टेंस या उसका ऑब्जेक्ट बनेगा उस टाइम पे ये क्रिएटेड ऐड चलेगा उसके बाद में अगर आप मॉडल में कोई टाइटल या इमेज कोई भी अपडेट करते हो तो वो चीज़ें नहीं वर्क करेंगी उसके लिए हमें यहाँ पे लिखना होता है अपडेटेड ऐड मॉडल्स डॉट डेट टाइम और यहाँ पे हम पास करेंगे कि क्या ऑटो नाव ट्रू ऑटो नाव ट्रू क्या कहता है जब जब ये मॉडल अपडेट होता है तब तब ऑटो नाव कॉल होता है ठीक है तो ये चीज़ें ऑटोनो ऑटोनो एड ऑटोनो ये चीज़ें ध्यान रखने वाली होती कई बार क्वेश्चन भी इंटरव्यू uh, में पूछे जाते हैं कि ऑटो डिफरेंस बिटवीन ऑटोनाओ एंड ऑटोनाओ एंड ऑटोनाओ एड बिटवीन नल एंड ब्लैंक इस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू में तो वो चीज़ें आपको तैयार करनी पड़ेगी ठीक है तो ये हमारा ब्लॉक मॉडल हो गया अब हम इसमें इंटीग्रेट करते हैं अपना फ्लोरा डॉट जी एस को ठीक है तो लिखते हैं जैंगो फ्लोरा एडिटर करके बहुत अमेजिंग लाइब्रेरी है ये और ये मस्ट मतलब यूज़ करनी चाहिए कि अगर आप सी के एडिटर से थोड़ा एडवांस लेवल पे चीज़ें आ जाती हैं ओके okay, अभी मैं अभी को दिखा आपको दिखाऊंगा अभी कि, कि किस तरीके की ये लाइब्रेरी है क्या इसके फ़ायदे हैं ठीक है थीके? इसको इंस्टॉल करने के बाद इसका ये डॉक्यूमेंटेशन है सबसे पहले तो हमें फ्लोरा को फ्लोरा एडिटर को अपने इंस्टॉल्ड ऐप में ऐड करना होता है तो चलते हैं अपने सेटिंग्स डॉट पी में और यहाँ पर इसको करते हैं इंस्टॉल ओके okay, और उसके बाद में हमें अपना जो हमने ऐप बनाया है होम नाम से उसको भी ऐड ऑन करना पड़ेगा ओके okay, तो ये चीज़ें हो गई अब इसमें बनाते हैं क्या यू आर एल्स डॉट पी वाई और इस यू आर एल्स डॉट पी वाई को इसमें यहाँ पे हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ताकि चीज़ें हमें यहाँ पे मिल जाए और फालतू की जो भी चीज़ें हैं उन्हें हम हटा देंगे यहाँ से ओके okay, और सारे के सारे जो व्यूज़ होते हैं फ्रॉम डॉट व्यूज़ इम्पोर्ट ऑल सारे व्यूज को हमने इम्पोर्ट कर लिया यहाँ पे ओके अब हम चलते हैं यू में और पाथ में यहाँ पे चीजें करते हैं इंक्लूड इंक्लूड करने के बाद में यहाँ पे इसे हम इंक्लूड करते हैं जैसे कोई इस राउट पर जाएगा तो ब्लॉग वाले सॉरी होम वाले यू को हम कॉल करेंगे तो इंक्लूड होम डॉट यू ओके अब हमें क्या करना होगा ये फ्लोरा जो एडिटर होता है इसमें जो इमेजेस अपलोड होती हैं या कोई भी स्टैटिक फाइल अपलोड होती है तो वो ये राउट हैंडल हैंडल कर लेता है ठीक है हैंडल करने के बाद में अब हम फ्लोरा एडिटर को अपने उसमें इंपोर्ट कर लेते हैं मॉडल्स में ओके okay? मॉडल में इंपोर्ट करने के बाद में जो ये हमारी फील्ड है जहाँ पर हमने टेक्स फील्ड यहाँ यूज़ करी उसमें हम यहाँ पर फ्लोरा फील्ड को ऐड करेंगे ठीक है यहाँ पर टेक्स फील्ड में लिखते हैं फ्लोरा फील्ड ओके अब इसको एक बार करते हैं पाइथन मैनेज डॉट वी वाई मेक माइग्रेशंस ठीक है आ, फ्लोरा ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल ओ भाई एक माइग्रेशन पेपर इंस्टॉल पिलो करना पड़ेगा क्योंकि हम यहाँ पे इमेज फील्ड यूज कर रहे हैं पेपर इंस्टॉल पिलो तो हमारी पिलो लाइब्रेरी इंस्टॉल हो गई है पेप इंस्टॉल ठीक है तो पिलो क्या होती है जब जैसे कोई इमेज एसेट्स को हम हैंडल करते हैं तो पाइथन के अंदर पिलो नाम की लाइब्रेरी होती है जो इमेजेस को हैंडल करने में मदद करती है ठीक है हर चीज का देखो ए, कभी भी कोई चीज भी इंप्लीमेंट करो तो हर चीज को एक आ, मतलब यू पता होनी चाहिए ना कि भाई तुम पिलो यूज करो तो क्यों यूज करो क्योंकि कर कल को अगर तुमसे कोई पूछ ले पिलो का काम क्या है तो वो चीजें आनी चाहिए तो कभी भी अपने अपने अंदर एक ऐसी चीजें बनाओ जैसे सपोज दैट अगर पिलो तुम पढ़ा तुमने कहीं अगर तुम्हें नहीं आता है तो पिलो यहाँ पर सर्च कर लो है ना ठीक है तो यहाँ से तुम पढ़ सकते हो पाइथन इमेजिंग लाइब्रेरीज ऑफ ओपन सोर्स इस तरीके से पढ़ लो तो ये तुम्हें पता चल जाएगा पिलो क्यों यूज कर रहे हैं ये वाली लाइब्रेरी क्यों यूज कर रहे हैं अगर ये चीज यहाँ लिखी है तो ये क्यों कर रहे हैं तो भाई गूगल तुम्हारे पास में हर चीज तुम्हें जो भी क्वेश्चन करोगे वो तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगा ठीक है तो हमेशा कोई भी चीज़ इम्प्लीमेंट करो हमेशा उस चीज़ को मतलब देखो सर्च करके चीजें देखो कि कहाँ से ये चीज़ें आ रही हैं ठीक है थीके? अब हम चलते हैं फिर से अपने कोड में और यहाँ पे हमने फ्लोरा को ऐड कर दिया है अब हम इसको चलते हैं अपना एडमिन बना लेते हैं पाइथन माइनस डॉट पी वाई क्रिएट सुपर यूजर हमारा सुपर यूजर बन जाएगा ओ सबसे पहले हमें क्या करना होगा माइग्रेट ठीक है माइग्रेट करेंगे सारी की सारी टेबल बन गई ठीक सारी टेबल बन गई अब हम क्रिएट सुपर यूजर करेंगे यहाँ पे और इसमें लिखेंगे एडमेन सॉरी ये गलत हो गया एडमिन ईमेल एड्रेस खाली पासवर्ड वन टू थ्री बायपास यस और करते हैं क्या Python पाइथन मैनज डॉट पी वायर स और अगर किसी को एडमिन पैनल को जेंगो के एडमिन पैनल को कैसे अपग्रेड करते हैं या कैसे इसके अंदर मॉडिफिकेशन करते हैं वो, वो वीडियो देखना हो तो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में देख लेना वो वीडियो आपको मिल जाएगी उसमें बहुत सारी अमेजिंग चीजें मैंने बताई हुई कि क्या क्या चीज़ें आप एडमिन पैनल को पूरी फुल्ली कस्टमाइज कर दो यार कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि ये जेंगो का एडमिन पैनल है ठीक है वो काफी ज्यादा चीजें रिच होती हैं जेंगो एडमिन पैनल के अंदर तो मे भी हो सकता है कि अगर आप एडमिन पैनल को यूज कर रहे हो तो जेंगो एडमिन पैनल आपकी चीजें सॉर्ट आउट कर दे ठीक है अब उसके बाद हमारे पास में ये क्या हो गया है अब हम इसको इस वाले मॉडल को ब्लॉग मॉडल को इम्पोर्ट करा लेते हैं अपनी एडमिन के अंदर तो लिखते हैं सारे मॉडल इम्पोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम डॉट मॉडल्स इम्पोर्ट ब्लॉग फिर यहाँ पे एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर ब्लॉग मॉडल अब हम चलते हैं अपने एड्रेस में ये जो हमारा एड्रेस है वो हमारा एट थाउजेंड पोर्ट पे रन कर रहा है अब यहाँ पे करते हैं एडमिन और एडमिन वन टू थ्री ठीक है तो ये हमारा ब्लॉक मॉडल आ गया अब इसके अंदर मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि वो फ्लोरा जो फील्ड है वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग अमेजिंग नो सस्टेबल होम अंडर ब्लॉक मॉडल क्या इशू हो गया न्युँ 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 न्युँ। पाइथन मैनेज डोट पी वाई मेक अब बनाया पाइथन मैनेज डोट पी वाई ठीक है तो, तो मे भी हो सकता है कुछ इश्यू आ गया हो रन सर्वर तो हमारा सर्वर फिर से स्टार्ट हो गया अब हम इसको रीलोड करते हैं पेज को अपने और अपने ब्लॉग को चलते हैं ऐड ऑन करने तो यार ये देखो ये है फ्लोरा का कमाल मतलब तुम यहां से चीजें एक असली में जो ब्लॉग नहीं लिखते हो बेस्ट hey, सब्सक्राइब टू कोड कीन ठीक है सब्सक्राइब की स्पेलिंग गलत हो गई सॉरी तो इसको तुम बोल्ड कर सकते हो यहाँ से बहुत सारी चीजें कर सकते हो इमेजेस लगा सकते हो और इमेजेस को वो सब भी कर सकते हो है ना सपोज दैट अगर कोई इमेज अगर मैं अपलोड करूँ ये कोट की वाली तो देखो ये इमेज आ गई गई चलो इमेजेस हम अभी हाँ सॉरी अभी हमने स्टैटिक फाइल को हैंडल ओवर नहीं किया है इस वजह से ये दिक्कत कर रहा है ठीक है तो इसको अभी हम देखेंगे इसको अभी स्टैटिक फाइल को जब हम अपने हैंडल करेंगे तो ये सही हो जाएंगे ठीक है अब हम क्या करते हैं हमारा मॉडल तैयार हो गया हमारा ये तैयार हो गया हमारी यू आर एल तैयार हो गई अब हम चलते हैं किसके तरफ अपने स्टैटिक फाइल को पहले ऐड ऑन करते हैं इसके अंदर धन उसके बाद में हम इसमें जो अपना एस टी एम एल है उसे ऐड करते हैं ठीक है और इसके अंदर सबसे पहले अपने अंडर हाँ इसको इसके, इसके स्लग को भी हमें क्रिएट करना होगा तो इसके अंदर एक हम पहले तो हेल्पर मेथड बनाएंगे हेल्पर्स नाम से हेल्पस डॉट पी वाई देखो ये एक कोड स्ट्रक्चर होता है ये तुम कुछ भी फॉलो कर सकते हो कुछ लोग क्या करते हैं utils.py डॉट नाम से एक अलग ऐप बनाते हैं उसके अंदर इस तरीके के फंक्शन रखते हैं जो कि उन्हें काम आते हैं जैसे स्लग हो सकता है तुम कोई बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हो तो तुम्हें कई चीज कई जगह के स्लग मतलब बनाना हो तुमने उसमें एक टेक्स्ट पास कर दिया उसने तो उसने एक स्लग रिटर्न कर दिया डैश 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 लगा करके सारे को नंबर हटा करके जो भी चीज़ें करनी हो वो तुम चीज़ें कर सकते हो तो ये मेरा कोड स्ट्रक्चर फॉलो करने का तरीका कि मैं एक हेल्पर नाम से हेल्पर डॉट पी वाई नाम से एक फाइल बनाता हूँ उसके अंदर जो भी मेरे फंक्शन होते हैं जो भी यूटिलिटी फंक्शन होते हैं जिनको मैं चाहता हूँ कि मैं आगे कॉल करूँ या मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इन में डाल डाल देता हूँ उसके बाद इनको कॉल करता रहता हूँ ठीक है अब हम चलते हैं यहाँ पे फिर अपने डंडर एस टी आर मेथड लिखते हैं और यहाँ पे सेल्फ पास करते हैं और रिटर्न करा देते हैं क्या रिटर्न सेल्फ डॉट टाइटल ओके तो टाइटल अब रिटर्न करते हैं टाइटल हमारा रिटर्न हो गया यहाँ से अब हम क्या करते हैं इसमें अब पहले तो स्लग को ऐड ऑन कर लेते हैं स्लग को ऐड ऑन करते थे तो स्लग के लिए हमें चाहिए होगा क्या स्लगी फाय मेथड तो याद तो कोई ये सारी चीजें किसी को याद नहीं रहती है ना कि भाई स्लगी फाई मेथड कहाँ था ये कैसे था तो मैं तुम्हें तो एक रियल प्रोजेक्ट बना रहा सिखा रहा हूँ तो हो सकता है मुझे कई बार स्टैक ओवरफ्लो या कोई जो भी वेबसाइट्स होती हैं उनको सर्च करना पड़े ठीक है तो इसका मतलब ये मत सोचना कि मतलब ये बुरे तरीका है जरूर भाई हर एक आदमी स्टैक ओवर इन सब वेबसाइट को सर्च करता है तभी तो प्रोजेक्ट बना पाता है ठीक है तो अब हमें क्या है यहाँ पे इसको स्लग जनरेटर है तो लिखेंगे क्या जनरेट स्लग इन जैंगो ठीक है तो स्टैक ओवर फ्लो मिल गया और इसको हम यहाँ पे कॉल करेंगे तो जैंगो के अंदर ये होता है फॉर्म जैंगो जो तो टेम्पलेट तो डिफॉल्ट और तो प्रिंटर तो ये क्या करता है ये यहाँ से लेकर के आता है और हम यहाँ पे एक और मेथड देखेंगे ओवर राइड से मैथड इन जेंगो से मेथड को हम ओवर राइड भी करेंगे यहाँ पे ठीक ओ, 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 सो ये चीज एक हमें मिली थी गीको गीक पे है ना एक सेकेंड एक ठीक है ये चीज हमें ये मतलब ये मेथड हमें यहाँ से ज्यादा सही समझ में आता है क्योंकि मैं कई बार यहाँ से कॉपी कर चुका हूँ कोड ठीक है तो ये है जेंगो डॉट टेक्स्ट तो अपने हेल्पर्स में चलते हैं इसको फिर डेफ जनरेट नाम से फंक्शन बनाया ये यहाँ पे टेक्स्ट आया ठीक है और यहाँ पे इम्पोर्ट करेंगे क्या फ्रॉम डॉट मॉडल्स इम्पोर्ट ऑल सारे मॉडल को हमने इम्पोर्ट कर लिया अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि जो भी हम स्लग जनरेट कर रहे हैं क्या वो पहले से एग्जिस्ट तो नहीं करता है तो अगर एग्जिस्ट करता होगा तब तो भाई बहुत दिक्कत हो जाएगी क्योंकि आ, हम उसको तो कर नहीं सकते ना स्लग तो वो नहीं हो सकता है तो यहाँ पे करेंगे न्यू स्लग इज इक्वल टू स्लग नाम से आ, वो हो गया और इसको हम टेक्स्ट में पास कर देंगे और यहाँ पे चेक भी कर लेंगे क्या ये जो स्लग जनरेट हुआ है क्या ये स्लग मैच करता है क्योंकि अगर देखो कोलैप्स हो गया स्लग तो इशू आ जाएगा कि भाई वो फिर वहाँ पे दो दो तीन तीन चीज़ें आ जाएगी अगर जैसे सपोज करो अगर मैंने बताया है एक एक ब्लॉग अपलिके एक ब्लॉग है कोर्टकिन नाम से मतलब कोटकिन के बारे में लिखा है तो कोटकिन नाम से अगर दो स्लग जनरेट हो गए तो दिक्कत हो जाएगी ना स्लग हमेशा यूनिक रहता है तो वहाँ पर हम क्या करेंगे स्लग uh, को हमें चेक करना पड़ेगा अगर एग्जिस्ट करता होगा तो दोबारा हमें स्लग को जनरेट करना पड़ेगा ठीक है uh, यहाँ पे क्या करेंगे ब्लॉग मॉडल इफ ब्लॉग मॉडल डॉट ऑब्जेक्ट डॉट फिल्टर स्लग इज इक्वल टू न्यू स्लग डॉट एग्जिस्ट अगर ये एग्जिस्ट करता है तो हमें क्या करना होगा फिर से स्लग को कॉल करना पड़ेगा और इसके अंदर जो टेक्स्ट है उसको पास करके यहाँ पे हमें रैंडम कैरेक्टर ऐड करना पड़ेगा रैंडम रैंडम स्ट्रिंग पाइथन ठीक है तो जनरेट करेंगे क्या रैंडम स्ट्रिंग इन पाइथन ये क्या करेगा सपोज दैट अगर वो स्लग एग्जिस्ट करना होगा तो उसके आगे कुछ एक रैंडम स्ट्रिंग लगा करके एक और बार फिर से रिटर्न कर देगा तो ये देखो एक और फंक्शन हमें मिला यहाँ पे इसको भी हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं अननेसेसरी कोड को रिमूव करते हैं ठीक है आ, इसको भी रिमूव करते हैं डेफ जनरेट रैंडम अंडरस्कोर स्ट्रिंग और इसमें एन चला जाएगा जा 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 हमारा ये हमें रिटर्न कर देगा ठीक है रिटर्न रिजल्ट ठीक तो अब क्या किया अगर ये जनरेट रैंडम्स है तो फिर ये करेंगे हम क्या इसमें इसको ऐड करके फाइव डिजिट का फिर से ये जनरेट रिकर्जन कॉल कर देंगे मतलब अगर फिर से एग्जिस्ट करेगा तो फिर से करेगा ठीक है अदरवाइज यहाँ पे जो ये न्यूज लग है इसको हम क्या करेंगे रिटर्न करा देंगे ओके अब समझ में आया क्या आया देखो

नया स्लग बन जाएगा ठीक है हो सकता है मतलब दसों हजार बन रहे हो तो उस तरीके से दस हजार मतलब ब्लॉक बन रहे होंगे तो हमेशा वो कन्फर्म है कभी ना कभी स्लग क्लैश कर जाएगा ठीक है तो ये चीज यहाँ पे स्केलेबिलिटी लेकर के आएगी कोड में तो ये हमारा चीजें हो गई हैं अब हम क्या करेंगे यहाँ पे सेव मेथड को ओवर करेंगे तो सेव मेथड को ओवर करते हैं डेफ सेव यहाँ पे पास करते हैं सेल्फ और यहाँ पे पास करते हैं आक्स और ओकोआक्स ठीक है और आक्स और क्लास पास करने के बाद में इसको हमने यहाँ पे पेश कर दिया अब हम इम्पोर्ट करेंगे क्या फ्रॉम डॉट हेल्पर्स इम्पोर्ट ऑल सारे को इम्पोर्ट कर लेंगे सब चीज़ों को अब उसके बाद में इम्पोर्ट करने के बाद में जो भी हमने हेल्पर में फंक्शन लिखा हुआ था जनरेट स्लग नाम से ठीक उस फंक्शन को हम यहाँ पे कॉल करेंगे तो जनरेट स्लग क्या करेगा यहाँ पर वाले फंक्शन को कॉल कर दिया अब उसके बाद ब्लॉग मॉडल को शे कर दिया तो ये हमारा स्लग आ गया अब यहाँ पे एक चीज और है स्लग को हमेशा हमें नल ट्रू ब्लैंक ट्रू करना पड़ेगा वरना जब हम उसको सेव कर रहे होंगे तो ये कभी लेगा ही नहीं ठीक है मांगेगा कि भाई स्लग तो चाहिए ही होता ना नल ट्रू ब्लैंक ट्रू अब इसको हम वैसे एक बार माइग्रेट करते हैं अह पाइथन मैनेज डॉट पीवाई मेक माइग्रेशंस ठीक पाइथन मैनेज डॉट पीवाई माइग्रेट पाइथन मैनेज डॉट पी वाय रन सर्वर ठीक तो अब हमारा ये कंप्लीट हो गया है ठीक अब हम इसके अंदर कुछ लिखते हैं कोड कीन इज बेस्ट कोड कीन इज बेस्ट करके आहा, स्लग में हमको खाली छोड़ सकते हैं इमेज में हम कुछ भी इमेज ऐसे रैंडम अभी अपलोड कर देते हैं और इसको सेव करते हैं ब्लॉग मॉडल इज नॉट डिफाइंड हमें एरर दे दिया है क्योंकि हेल्पर में ये इशू कर रहा है फ्रॉम डॉट मॉडल इंपोर्ट ब्लॉग मॉडल फ्रॉम डॉट मॉडल ये क्या इशू कर रहा है फ्रॉम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट फ्रॉम होम डॉट मॉडल्स इम्पोर्ट ब्लॉक मॉडल कै नॉट इम्पोर्ट ये क्या हो रहा है अच्छा अब यहाँ पे देखो सर्कुलर इम्पोर्ट लग गया है कि यहाँ से हम इसको इम्पोर्ट कर रहे हैं फ्रॉम डॉट हेल्पर मॉडल को और यहाँ पे इसमें हम डॉट हेल्पर को इम्पोर्ट कर रहे हैं तो ये इशू आ गया है तो अब इश्यू को सॉर्ट आउट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं देखो यहाँ पे सर्कुलर इम्पोर्ट आ गया है आ, इसके लिए यहाँ पे हमें लेजी इम्पोर्ट तो हम कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे तो भाई हमें चाहिए ही होगा तो इसको क्या करते हैं इसको आ, इसको यहाँ पे इम्पोर्ट करते हैं मे बी शायद तो यहाँ पे फिर हमें ये करना पड़ेगा जो हेल्पर नाम जो फंक्शन है इससे हम यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं ठीक है तो अब मे भी शायद चल जाए ठीक है तो अब क्या हुआ सर्कुलर इंपोर्ट को हमने बचाने के लिए क्या किया आ, कि हमने थोड़ी सी चलाकी करी जब इसे जरूरत थी इस चीज़ की तभी हमने इंपोर्ट किया अदरवाइज कंटिन्यूसली इंपोर्ट में नहीं था ठीक है मतलब जब जरूरत तो इसने इम्पोर्ट कर लिया वहां से भाग गया जल्दी से सर्कुलर इम्पोर्ट ये था ये बहुत ज्यादा इशू आता है इसको भी ध्यान रखना कैसे कैसे करते हैं एक चीज होती है लेजी इम्पोर्ट कर सकते थे और एक एक तरीका ये शॉर्ट आउट जल्दी से आउट करने का ये तरीका हो गया ठीक है अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कोड किन इज बेस्ट नाम से स्लग बन गया अब हम एक और मॉडल ऐड करते हैं अब हम वहां पे कोड किन इज बेस्ट एक और बार फिर से बनाते हैं ठीक कोड किन इज बेस्ट इसको फिर से कॉपी करते हैं इसको फिर से इसको फिर से और यहाँ पे एक रैंडम इमेज अपलोड कर दिया हमने आ, एंटर वैलिड स्लग लेटर नंबर एंड स्कोर और हाईपन सॉरी हमें ये तो हटा यहाँ पे लगाने ही नहीं था ना और ये क्या कर रहा है सॉरी ये मतलब कि हमारा वो चला नहीं है अभी दोनों में ही आ गया तब तो फिर वही गया मैटर हमारा कोड किन इज बेस्ट कोड दोनों का को स्लग सेम हो गया ना कोड किन इज बेस्ट कुछ दिक्कत हुई है यहाँ पे मतलब ये ब्लॉक डॉट मॉडल डॉट अब एक बार फिर से इसको करते हैं है। प्रिंट करा के देखते हैं मतलब कि ये हमारा चल नहीं रहा है क्यों नहीं चल रहा है इसको देखते हैं ठीक है ये थोड़ी डिबगिंग यहाँ पे करनी पड़ेगी मैं फिर से एक बार इसको पेस करते हैं ओवर करते हैं कोट की इस बस नन आया है जस्ट इन केस जो टेक्स्ट आया है वो हमारे पास यहाँ पे हमने सेल्फ डॉट टाइटल पास किया हुआ है ये नन कैसे आ सकता है हम एक बार प्रिंट करते हैं फिर से न्यू स्लग करके ओके कोड की इज बेस्ट अब देखो अब अब चला पता नहीं हो सकता कुछ इशू आ रहा हो बट ये क्या हुआ है कोड किन इज बेस्ट ये तो सही चलना चाहिए यार क्योंकि अब तो भाई इसमें रिटर्न ही करेगा ना न्यू रिटर्न तो करा है बट इशू क्या है ये बेस्ट ये तो इसने भेजा ही नहीं हमें लग रहा है मतलब भेज तो रहा है यहां पे जिस इनकेस एक बार थोड़ा सा अब आया सॉरी माय मिस्टेक ठीक है अब ये क्या करेगा <coughs> ओके तो थोड़ी सी इशू हो गया था अब ये हमेशा सही चलेगा मतलब कोर्ट की ऐसा मिलेगा नहीं इसको स्लग तो ये बनाता रहेगा ठीक तो ये हमारा स्लग वाला सेटल आउट हो चुका है और ये भी इससे टेल आउट हो चुका है अब हम चलते हैं अपने स्टैटिक फाइल को ऐड ऑन करते हैं और स्टैटिक फाइल को ऐड ऑन करने के बाद में हम अपना लॉग ऑथेंटिकेशन ये सब सारी चीज़ें बनाएंगे ठीक है तो चलते हैं ऐड ऑन करते हैं सो so गाइज मैंने स्टैटिक फाइल का कोड जो है वो कॉपी पेस कर दिया यहाँ पे तो ये कोड दिया तुम कॉपी पेस कर रहे हैं इसमें एज सच कुछ है नहीं यहाँ पे बस चीज़ें स्टैटिक फाइल को कैसे इंपोर्ट करते हैं ये तुम्हें पता चल जाएगा ठीक है तो सेटिंग्स वर्ड पी वाई में हमने जो किया हुआ है अभी तक वो मैं समझा देता थे इम्पोर्ट किया हुआ यू एस ओ एस को सॉरी यू एस कह रहे हैं इम्पोर्ट ओ एस को इम्पोर्ट किया हुआ है ऑप ओएस को ठीक है ओएस के बाद ये स्टैटिक फाइल के हमने पाथ सेट कर दिए मीडिया रूट सेट कर दिया है उसके बाद अपने जो यू आर एस पैटर्न में आने के बाद इनको इम्पोर्ट करने के बाद में हमने अगर हमने देख लिया कि सेटिंग में डिब्बा फॉल्स लिखा हुआ है वो सॉरी डिबक्रू दिया हुआ है तो हमारे स्टैटिक फाइल पैटर्न ये हो जाएगा अदरवाइज जो स्टैटिक फाइल होते हैं वो होती हैं। ठीक है अब उसके बाद इसको हम चेक चेक कर लेते हैं कि हमारी सही सही चल रही तो इसको एक इमेज हम अपलोड करते हैं ये वाली और इसको सेव कर लेते हैं और ये हमारा सेव हो गया सेव होने के बाद में तो ये हमारी स्टैटिक फाइल हमारा काम कर रहा है तो अब ये स्टैटिक फाइल हमारा कर, जब काम कर रहा है तो अब हम चलते हैं अपने आ, क्या करते हैं सॉरी क्या था स्टैटिक फाइल ये हमारा पब्लिक नाम से फोल्डर बन चुका है उसके अंदर सारी चीज़ें आने लगी हैं तो अब हम चलते हैं यहाँ पे यहाँ पे क्या करते हैं जो भी अपना आ, वो था क्या कहते हैं आ, सॉरी जो टेम्पलेट्स की जो भी चीज़ें थी जैसे सी एस एस था उसको हम कॉपी करते हैं और ब्लॉग में जाते हैं और ब्लॉग में आने के बाद पब्लिक में आने के बाद साइटिक में आने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं ठीक है तो ये चीज़ें पेस्ट ऑन हो गई हैं अब हम चलते हैं इसके अंदर अपने होम के अंदर इसके अंदर टेम्पलेट्स से फोल्डर बनाते हैं और पहले बनाते हैं क्या बेस डॉट एस टी एम एल ओके फिर बनाते हैं क्या होम डॉट एस टी एम एल तो होम डॉट एस टी एम एल बेस डॉट एस टी एम एल दो नाम की फाइल बना ली अब हम इनको यूज करते हैं जो भी ये है इसको हम व्यू करते हैं और इसके अंदर जो भी चीज़ें लिखी हुई इसको कॉपी पेस्ट करके अपनी बेस डॉट एस टी एम एल पे पेस्ट ऑन कर देते हैं ठीक पेस्ट ऑन करने के बाद में और इसको हम एक्सटेंड कर लेते हैं अभी हम बेस डॉट एस टी एम एल रिटर्न करते हैं अभी जब तक चीज़ें सेट ऑन नहीं हो रही रिटर्न डेफ होम रिक्वेस्ट रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट होम डॉट एस टी एम एल ठीक अब इसको हम यहाँ पे यू आर एल्स में चलते हैं अपने पाथ जो भी एम टी पाथ पे आएगा होम उसका नेम देते हैं होम ठीक तो ये सारी चीज़ें अब तक हमारी सेटल आउट हैं अब हम चलते हैं अपने मेन पेज में तो मेन पेज में आने के बाद हमें ये सारी चीजें दिख रही हैं एस टी एम एल हमारा नहीं आया हुआ है रिटर्न हमने क्या कराया हुआ है रिटर्न हमने क्या बेस डॉट एस डी एम एल तो ये हमारा आ चुका है अब हम यहाँ पे जो भी हमारी सी एस एस थी उनको यहाँ पे ऐड करते हैं तो जो था ये ये मीडिया स्लैश जो ये पाथ है हमारा का गया ये ब्लॉग के अंदर ये आया मीडिया स्लैश इसको एक बार हमें देखना भी पड़ेगा कि कहाँ पे ये पाथ आ रहा है स्लैश मीडिया स्लैश सी एस एस स्लैश ऑल डॉट सी एस एस हाँ तो ये हमारा है पाथ मीडिया स्लैश सी एस एस मीडिया स्लैश सी एस एस स्लैश जो भी है पाथ ठीक है तो इस पाथ को अब हम कॉपी करते हैं और इसके आगे सबके आगे मीडिया लगाना पड़ेगा हमें मीडिया 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 ठीक अब हम इसको एक बार रीलोड करते हैं तो ये हमारा पूरा जो स्टैटिक फाइल वाला काम था वो चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है अब हम चलते हैं अपने लॉगिन पेज को बनाते हैं और यहाँ पे मेजरली जो काम है अब हमारा तो ये जो सेक्शन है ये तो यार रहेगा ही रहेगा सेक्शन uh, को भी रिमूव कर देते हैं और ये फुटर को रहने देते हैं इसको हम अलग होम डॉ डिस्ट्री में पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पर अपना जो ब्लॉक कंटेंट होता है उनको खो लेते हैं तो यहाँ पर स्टार्ट होता है क्या ब्लॉक स्टार्ट एंड ब्लॉक ठीक और होम में चलते हैं और ये एक्सटेंड करेगा क्या बेस डॉट एस टी एम एल एक्स टेंस बेस डॉट एस एच टी एम एल ओके एक्सटेंड हो गया बेस डॉट एस टी एम एल और यहाँ पे क्या होगा ब्लॉक स्टार्ट और ये हो गया क्या एंड ब्लॉक अब हम इसको रिटर्न कराते हैं यहाँ से होम डॉट एस टी एम एल ओके तो होम डॉट एस टी एम एल रिटर्न कराते हैं अब हम देखते हैं यहाँ सारी चीज़ें रही हैं तो ये कुछ फट गया है हाँ हमें यहाँ पे भी मेजरली ये इशू हो गया हमारा यहाँ पे हमने परसेंटेज का साइन ही लगाया ठीक है एक, एक बार और देख लेते हैं आवाज रिकॉर्ड हो रही भाई ये बहुत खतरनाक चीज होती है <laughs> तो ये हमारा चीजें कंप्लीट हो गई मतलब ब्लॉग वाला काम खत्म हो, हो गया आहा, अब हम चलते हैं अपने लॉगिन में तो क्या है लॉगिन पेज बना लेते हैं यहाँ पर रिटर्न कराते हैं कि लॉगिन और यहाँ पे इंपोर्ट करा लेते हैं कि लॉग इन डॉट एस टी एम एल ओके लॉग इन डॉट एस टी एम एल फिर अपने में चलते हैं टेम्पलेट्स में जो लॉगिन डॉट एस टी एम एल वाला कोड है इसे करते हैं कॉपी डिव डि टू डिव और इसको करते हैं अपने लॉगिन पेस्ट और होम से उठाते हैं दोनों चीज़ें ठीक है यहाँ पे आके क्या एंड ब्लॉक करके अब हमें क्या करना होगा यहाँ पे यू आर एल्स में चलते हैं अपने और पाथ बना लेते हैं लॉग इन लॉग इन व्यू और ये हो गया क्या लॉग इन का अब हम चलते हैं बेस डॉट एस टी एम एल में और ये एड ब्लॉग जहाँ पे लिखा हुआ है फिर लिखते हैं लॉग इन ठीक तो अब हम यहाँ पे जब इसको खोलेंगे तो ये हमारा लॉगिन वाला पेज आ गया ऐसे ही हमें क्या बनाना होगा एक साइनअप का पेज बनाना होगा तो वो भी बहुत ईजी है रजिस्टर करके बना लेते हैं रजिस्टर डॉट एस टी एम एल और इसमें वही सारी चीज़ें पेस्ट कर देते हैं और उसके बाद चलते हैं यहाँ में रजिस्टर व्यू और यहाँ पे रिटर्न करेगा कि रजिस्टर नाम से पेज तो अब बन गया हमारा क्या रजिस्टर रजिस्टर नेम इज इक्वल टू रजिस्टर व्यू करके पेज बन गया ठीक टू रिकमेंड करके आ गया ठीक है तो ये हमारा काम हो गया है मतलब लॉग इन वॉग इन वाला जो भी काम है वो हो गया अब राउट को अपने थोड़े सही कर देते मतलब कोई अगर मेन पेज पे क्लिक करता है तो कहां पे जाएगा आ, 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 ये होगा हमारा मेन पेज ठीक तो अब हमारी मतलब मेजरली जो पार्ट हो गया है वो हो गया है कंप्लीट अब हम चलते हैं अपने ऑथेंटिकेशन के पार्ट में ऑथेंटिकेशन के पार्ट में हम इसमें यूज करेंगे जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क और उसके लिए हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा रेस्ट फ्रेमवर्क ठीक रेस्ट फ्रेमवर्क को करते हैं इंपोर्ट और पिप इंस्टॉल जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क किया हमने और रेस्ट फ्रेमवर्क वर्क को हमें अपने सेटिंग्स डॉट पी वाई में भी ऐड करना पड़ेगा तो चलते हैं सेटिंग्स डॉट पी वाई में और ऊपर अपने इंस्टॉल्ड ऐप में चलते हैं ठीक और अब हमारी मतलब रेस्ट फ्रेमवर्क हो गया यहाँ पे लॉग इन हो गया हम्म 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 और अब हम क्या कर सकते हैं चीज़ें अब हम अपनी जो राउट्स हैं लॉग वाले सॉरी ए वाले उनको हम थोड़ा सेपरेट कर लेते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं व्यूज़ अंडरस्कोर ए पी आई डॉट पी वाई और ऐसे ही अपना यू आर एल्स बना लेते हैं क्या यू आर एल्स अंडर स्कोर ए पी आई डॉट पी वाई करके ओके okay? और ये सारी जो चीज़ें हैं इनको हम कॉपी कर लेते हैं यू आर एल डॉट पी वाई में पेस्ट कर देते हैं इन सबको हटा देते हैं ठीक है अब ये हमारी सारी चीजें हो गई अब हम चलते हैं अपने व्यूज में यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं अपना ए और रेस्पॉन्स ठीक वो हमें मिल जाएगा व्यूज में अगर हम जाएंगे तो हमें चाहिए होगा ए पी व्यू और रेस्पॉन्स ठीक तो अब ये चीजें होगी क्लास बनाएंगे क्या लॉग इन ए व्यू डेफ पोस्ट सेल्फ रिक्वेस्ट ठीक अब 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 यहाँ पे देखो क्या चीज़ होती है अच्छा कोड लिखना होता है और एक नॉर्मल कोड होता है तो अच्छा कोड लिखने का तरीका क्या होगा हर हमेशा हमें कोड को अपने ट्राई कैच में सराउंड कराना चाहिए क्योंकि अगर हम ट्राई कैच में उसको सराउंड नहीं कराएंगे तो हो सकता है कभी कोड हमारा फट जाए कभी हमारा लॉजिक फेल हो जाए तो वहाँ पे यूजर को क्या दिखेगा फोर ओ फोर हो जाए तरीके का अधिक तरीके का मतलब पेज दिखेगा तो वो चीज़ें यूजर के एक्सपीरियंस से बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और ये भी पता चलता है कि जो कोड लिखा गया वो बहुत ज्यादा पुअर है मतलब ये झेल ही नहीं पाया तो हमेशा ट्राई को

तो ये हमारी चीज़ें कंप्लीट हो गई अब हम अब हम इसको सराउंड करेंगे ट्राई कैच में ट्राई और डेटा क्या करेंगे रिक्वेस्ट डॉट डेटा उसके बाद में हमें यहाँ पे चेक करना होगा क्या यूज़र नेम और पासवर्ड है तो क्या सबसे पहले चाहिए होगा क्या इफ़ डेटा डॉट गेट यूज़र नेम इज़ नन तो हमें क्या करना होगा रेज एक्सेप्शन कर देंगे क्या यूजर नेम नॉट फाउंड यहाँ पे लेकिन की यूज़र नेम नॉट फाउंड और सॉरी ये हमेशा फाइव हंड्रेड रहेगा यार टू हंड्रेड हो गया तो तो सब चीज़ें सही हो गई अब हमें क्या क्या इसमें हमें बस मैसेज को चेंज कर देना होगा की नॉट फाउंड करके अभी मैं कोड को पूरे सही से समझाता भी हूँ कि क्या हो लिखा क्या हो रहा है ठीक है अब ये होने के बाद में अब हम क्या करेंगे फाइ सेम अगर पासवर्ड नहीं है तो भाई तो तब भी दिक्कत है डेटा डॉट नॉट पासवर्ड की पासवर्ड नॉट फाउंड ठीक अब अगर ये सारी चीजें हो गई मतलब नहीं है तो एक कह लेते हैं एक्सेप्ट एक्सेप्शन एस ई और प्रिंट करा लेंगे ही को और रिटर्न करा देंगे क्या अपना रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स ठीक आप समझो यहाँ पे क्या हुआ अभी तक हमने क्या किया हमने एक ए पी आई व्यू जो जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क में हो तो बहुत ज्यादा कोई ईजी चीज है कोड भी जो हमारा हम मैं लिख रहा हूँ बहुत ज्यादा ईजी है देखो तो क्या हुआ सबसे पहले हमने क्लास बनाई लॉग इन व्यू नाम से उसके बाद में हमने ए पी आई व्यू से इसको इनहेरिट किया उसके अंदर ए पी आई व्यू के अंदर जिसे नहीं पता है उसके अंदर चार मेथड होते हैं गेट पोस्ट पुट डिलीट इन पुट पैच डिलीट करके मेथड्स होते हैं उसमें से मैंने पोस्ट पोज मेथड को हमने लिखा हुआ है तो पोस्ट मेट्रेड में हम क्या करें सबसे पहले हमने एक रेस्पॉन्स बना लिया रेस्पॉन्स बनाने के बाद में उस रिस्पॉन्स में हमने स्टेटस कोड डाल दिया फाइव का अगर कुछ यहाँ पे फटता है या कुछ इशू होता है तो वो यहीं पर झेल ले जाएगा उसके बाद ट्राई कैच में डाल दिया अब हम चेक कर रहे हैं क्या देखो कभी भी लॉगिन करने के लिए यूजर नेम और पासवर्ड चाहिए होगा अगर यूजर नेम और पासवर्ड है नहीं तो भाई हम क्या कर लेंगे कुछ भी नहीं कर पाएंगे ना तो इसके लिए हमने यहाँ पे भगा चेक कर लिया इफ डेटा डॉट गेट यूजर नेम अगर यूजर नेम है ही नहीं तो के भगा दो यहीं से उसको कह दो तो की, की यूजर नेम नॉट फाउंड और एक्सेप्शन रेज कर दो जैसे ही तुम एक्सेप्शन रेज करोगे तो क्या होगा ये तुम्हारा कोड यहीं से फट करके इसमें आ जाएगा आने के बाद में जब यहाँ पे प्रिंट ई करेगा तो यहाँ पे ये तुम्हें रिटर्न करा देगा ऐसे ही अगर तुम्हें पासवर्ड नहीं मिला तो ये हो गया अब हम क्या करेंगे यूजर नेम को चेक करेंगे कि क्या ये जो यूजर नेम यूजर ने डाला है क्या ये एग्जिस्ट करता भी ये तो है कि नहीं तो सबसे पहले हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे अपने जांगो मॉडल को सॉरी जेंगो के ऑथ मॉडल को फॉर्म जैंगो डॉट कंट्रेप डॉट और डॉट मॉडल्स ठीक है अब हमने यूजर को इम्पोर्ट कर लिया अब हम यूजर डॉट ऑब्जेक्ट डॉट गेट यूजर नेम इक्वल टू यूज़र नेम ठीक आप देखो यहाँ पे फिर से एक और ट्राई कैच लगाना पड़ेगा ट्राई या आप नहीं भी लगा सकते हैं कोई इतना इशू नहीं है यहाँ पे करते हैं क्या फिल्टर यूज़र नेम और यूज़र नेम हमें यहाँ से मिल रहा है डेटा डॉट गेट करके फिर अगर ये डॉट फर्स्ट अगर ये है ठीक है तो अब हम चेक करेंगे इफ चेक यूजर अगर चेक यूजर हमारा इज नन है ठीक है इज नन अगर हमारा चेक यूजर नन है तो क्या हुआ भाई ये तो यूजर एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो यहाँ पे हमें फिर से इसे भगा देना होगा भगा देंगे यहाँ पे क्या लिख देंगे यूजर नेम नॉट फाउंड इन वैलिड यूजर नेम ठीक इन वैलिड यूजर नेम और इसको हम यहाँ पे नॉट फाउंड करके हम्म hmm. uh, अब ये हो गया अब हम चेक करेंगे क्या जेंगो के अंदर ऑथेंटिकेट नाम से मेथड होता है और वो हमें यहाँ पे याद करना होगा क्योंकि मुझे याद नहीं है जेंगो ऑथेंटिकेट इन जेंगो ऑथेंटिकेट इन तो हम जेंगो डॉट कंट्रीब डॉट कुछ करके इंपोर्ट करना होता है वो हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या है mm -mm. ये तो हो गया है ये तो हो गया है इम्पोर्ट ये है तो डॉट कंट्रोल डॉट इम्पोर्ट ऑथेंटिकेट और यहाँ पे हमें क्या इम्पोर्ट करना पड़ेगा लॉक इन ठीक है अब हम यहाँ पे चेक करेंगे जो ऑथेंटिकेट वाला है तो यूजर ओबोजे इज इक्वल टू ऑथेंटिकेट यहाँ पे क्या करेंगे यूजर नेम इक्वल टू यू डेटा डॉट गेट यूज़र नेम और यहाँ पे डालेंगे क्या हम पासवर्ड इज इक्वल टू डेटा डॉट गेट पासवर्ड अब अगर ये यूजर ओ बीजे आ गया इफ यूजर अंडर स्कोर ओ बीजे अगर ये आ गया तब तो भाई हमारा काम बनता एल्स फिर से वही अपना काम ये इनवैलिड इन्वै, पासवर्ड ठीक इनवैलिड पासवर्ड करके हमने एक्सेप्शन रू से रेस कर दिया ठीक अदरवाइज यहाँ पे क्या करेंगे जो वेलकम और जो हमारा स्टेटस कोड है उसे हम क्या कर देंगे यहाँ पे टू हंड्रेड स्टेटस इज इक्वल टू अभी सी एपीआई को भी हम टेस्ट भी करते हैं ठीक है टू हंड्रेड ओके okay, तो अब देखो चीजें क्या हो गई बहुत इजी कोड दिखा गया है सबसे पहले क्या हुआ पोस्ट रिक्वेस्ट आई पोस्ट रिक्वेस्ट को हमने चेक किया डेटा डॉट गेट रिक्वेस्ट डेटा डॉट रिक्वेस्ट डॉट गेट डेटा कर लिया उसके बाद यूजर नेम पासवर्ड चेक कर लिया अगर ये दोनों यूजर नेम पासवर्ड है नहीं तो हमने इसको यहाँ से बाहर निकाल दिया कि भाई यूजर नेम और पासवर्ड तो हमें चाहिए ही चाहिए, चाहिए आगे करने के लिए फिर चेक यूजर कर लिया चेक यूजर फंक्शन ये क्या कर रहा है कि जो सपोज डेट ए हम नाम से यूजर हैं तो चेक कर रहा है क्या ए नाम से यूजर है भी कि नहीं कि हम फर्जी उसका पासवर्ड चेक कर लें है ना तो यूजर डॉट ऑब्जेक्ट डॉट फिल्टर यूजर नेम अगर ए बी सी नाम से यूजर नहीं है तो क्या कर देगा रिस्पॉन्स इनवैलिड यूजर नेम यूजर नॉट फाउंड ठीक ये यूजर नेम से यूजर एग्जिस्ट ही नहीं करता है अदरवाइज फिर एक केस बचा हमारा क्या यूजर ओ बी अब हम ऑथेंटिकेट कर रहे हैं उसके पासवर्ड और उसका यूजर नेम लेकर के अगर ये इसने रिटर्न कर दिया यूजर ओ बीजे तब तो ये क्या हो जाएगा ये कर देगा क्या वेलकम रिस्पॉन्स को टू हंड्रेड भेज दिया अदरवाइज क्या किया रिस्पॉन्स हमारा वही रहेगा इन वैलिड पासवर्ड भेज देगा और हमारा जो स्टेटस कोड है वो हमेशा फाइव हंड्रेड रहेगा तो ये हमारा लॉग इन व्यू बन चुका है अब ऐसे ही हमें रजिस्टर व्यू बनाना पड़ेगा तो इसको एक बार हम टेस्ट कर लेते हैं एज व्यू करके ठीक अब हम चलते हैं अपने यू आर में इसको करते हैं पाथ यहाँ पे करते हैं लॉगिन और ये हो गया लॉगिन व्यू फ्रॉम यूज़ underscore API ए ओके अब हम चलते हैं अपने जो ये वाली यू आर इसमें और इसको करते हैं इम्पोर्ट और होम डॉट यू आर एस अंडर स्कोर ए पी आई और यहाँ पर लिखते हैं ए पी आई मतलब ए पी आई नाम से जो भी राउट होंगे वो इस वाले यू आर एल डॉट ए पी आई में कॉल होंगे तो चलते हैं पोस्टमैन में इसको कॉल करते हैं अपने यू आर एल को कॉपी करते हैं ठीक है और अपने सर्वर को स्टार्ट करते हैं आई होप कोई गलती ना हो कि फेंक दे हो भी सकता है कुछ भी हो सकता है भाई तो सर्वर हमारा चल चुका है पोस्टमैन हमारा खुल रहा है बाई होप अगर पोस्टमैन डाउनलोड करना हो तो ईजिली तुम यहाँ से पोस्टमैन सर्च करके डाउनलोड कर सकते हो ठीक है ये ए टेस्टिंग के लिए काम आती है चलो पोस्टमैन खुल रहा है सिस्टम की लग रहा है भाई आ, यहाँ पे मारते हैं पोस्ट रिक्वेस्ट कहाँ गया पोस्ट अब इसके हम यहाँ पे भेज के देखते हैं और आ, ए पी आई स्लैश लॉग इन करके ठीक अब देखो क्या कह रहा है कि यूजर नेम नॉट फाउंड अब हमें यहाँ पे यूजर नेम इसको भेजना पड़ेगा यहाँ पे हम लिखते हैं यूजर नेम इज इक्वल टू एडमिन अब ये क्या किया अब देखा की पासवर्ड नॉट फाउंड तो अब हमें यहाँ पे पासवर्ड भेज दिया वन टू थ्री करके ठीक अभी क्या कर दिया वेलकम क्योंकि हमने पासवर्ड हो ये सही डाला अब हम यहाँ पे पासवर्ड गलत डालते हैं तो ये क्या दे दिया इनवैलिड पासवर्ड तो ये अब तुम्हें एपीआई आई होप समझ में आ गई होगी कि क्या हमने किया हुआ है ठीक ऐसे ही अब हमें क्या बनाना होगा रजिस्टर की ए तो बाय होप सेम कोड रहेगा बस इसमें जो एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं उनको हम रिमूव कर देते हैं ठीक है भाई अब मेजरली तो मैं चीज़ें समझ में आने लगी होंगी आई होप सो और यार प्लीज़ इस वीडियो को भाई शेयर कर देना बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में ठीक है तो आई होप प्लीज़ शेयर कर देना क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लग जाती है सच में भाई तो हमें क्या करना होगा सबसे पहले रजिस्टर करने के लिए यूज़र नेम पासवर्ड चाहिए ही होगा ठीक है और पासवर्ड उसके बाद अब हम चेक कर लेंगे क्या यूजर नेम अगर हमारा पहले से एग्जिस्ट करता होगा तो कह देंगे दिस यूजर नेम इज़ ऑलरेडी टेकन यूजर डॉट ऑब तो यूजर नेम ऑलरेडी टेकन कर देंगे ऑलरेडी टेकन कर दिया इसको भी कॉपी कर लेते हैं पे ठीक फिर आ, यूजर नेम ऑलरेडी टेकन हो गया अब इसमें क्या करेंगे यूजर ओ को हम क्रिएट करा देंगे तो यूज़र डॉट ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट यूज़र नेम इज़ इक्वल टू डेटा डॉट गेट यूज़र नेम उसके बाद में इसका हमें पासवर्ड सेट करना पड़ेगा यूज़र नेम डॉट सेट पासवर्ड डेटा डॉट गेट पासवर्ड फिर यूजर नेम डॉट सेव ओके तो ये चीजें हो गई अब हम क्या करेंगे यहां पर रिटर्न करा देंगे रेस्पॉन्स अपना जो ये है यूजर क्रिएटेड रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस इक्वल टू टू हंड्रेड ओके और अब इस ए को हम टेस्ट कर लेते हैं देखा एक ए बन गई दूसरी ए पी आई बनाने में बहुत कम समय लगा डॉट एज एंड ये जरूर करना पड़ता है क्योंकि ये क्लास है ओके okay. अब हम चलते हैं पाथ फिर लिखते हैं रजिस्टर ठीक अब हम चलते हैं अपने अ, उसमें क्या कहते हैं पोस्टमैन है पोस्ट फिर से यहाँ पे लिखते हैं रजिस्टर failed ठीक यहाँ पे हमने चेक भी तो किया था लेकिन ये क्या हुआ यूजर तो टॉप फिल्टर इफ यूजर इफ चेक यूजर ये हो गया अगर भाई यूजर आ गया तब तो ये हो जाएगा ना तो यहीं से रिटर्न यह करा देगा और देखो यहाँ पे यही फायदा हुआ यूजर को वहाँ पे एक फटा हुआ एसटीएम नहीं दिखाई पड़ा पे दिखा दी समथिंग कुछ कुछ भाई बैकहेंड से गड़बड़ी हो गई थी ठीक थी। है अब हम यहाँ पे लिखते हैं अभिजीत यूजर क्रिएटेड और अगर हम यहाँ पे जैंगो के एडमिन पैनल में जाएंगे तो हमें ये एडमिन सॉरी यूजर दिख जाएगा अब जीत करके ठीक अब और सीधे चीज चीज़ें तुम यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो कि यूजर नेम तुम्हें चेक करना है कि यूजर नेम में एम टी स्पेसिस ना हो ये हो फलाना हो दिमाग का हो जो भी करना चाहो वो कर सकते हो मतलब मैं तुम्हें एक वॉक थ्रू करा सकता हूँ बाकी चीज़ें तुम्हें इंप्लीमेंट करनी पड़ती हैं तो ये दो हमारी ए बन चुकी हैं लॉग और रजिस्टर वाली अब हम इस इन दोनों ए को कंज्यूम कराएंगे अपने जावा की मदद से तो अब हमें चलना पड़ेगा अपने उसमें पेज में तो उस पेज में चलते हैं और एक बना लेते हैं अपनी जे की फ़ाइल जो कि हम यूज़ करेंगे अक्रॉस द प्रोजेक्ट स्टैटिक के अंदर बना लेते हैं जे एस जे एस के अंदर एक फ़ाइल बना लेते हैं कौन सी मेन डॉट जे एस करके तो इसके अंदर सारी चीज़ें हम लिखेंगे गेट पोस्ट पोस्ट डीट जो भी मेथड होंगे वो हम यहाँ पे एड ऑन करेंगे क्योंकि हमने दो एपीआई बनाई हैं तो भाई एपीआई तो यूज़ करेंगे बोले तो तुम्हें थोड़ा बताना भी ज़रूरी था कि ए कैसे बनाते हैं तो अब चलते हैं फिर से यहाँ पे तो इन दोनों ए को हम यहाँ पे कंज्यूम कराएंगे यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड लेकर के पोस्ट कराएंगे तो चलते हैं अब इसको करते हैं गाय चलते हैं अपनी ए पार्ट की तरफ और लॉग इन बनाते हैं सबसे पहले तो ये जो हमारा ई एड्रेस है इस पेज में चलते हैं लॉग वाले पेज में और ये पहले मैंने मेन डॉट जी नाम से फाइल बना लिए जी एस फोल्डर के अंदर और चलते हैं अपने पेज के अंदर होम सॉरी होम के अंदर टेम्पलेट्स के अंदर लॉग और उसके बाद में ये जो पेज है हमारा यहाँ पे यहाँ पे हमें आईडी आईडी हमें ये मिल गई यूजर लॉगिन यूजर नेम ठीक है यहाँ पे लिख सकते हैं अपना यूज यूजर नेम ठीक और ये पासवर्ड हो गया लॉगिन पासवर्ड आईडी लॉगिन पासवर्ड ठीक है तो अब हमें इसे इंपोर्ट करना पड़ेगा यहाँ पे फंक्शन लॉग इन करके और वार यूज़र नेम इज़ इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी यूज़र नेम लॉग इन यूज़र नेम और वार पासवर्ड इज़ इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट लॉग इन जो भी था नाम इसका क्या था लॉगिन पासवर्ड करके ठीक है और ये हो गया ये दोनों चीजें एट्रीब्यूट मिल गई अब हमें इसे चेक करना होगा इफ यहाँ पे वैल्यू लगा देते हैं क्योंकि वैल्यू से डेटा मिल मिलता है ओके वैल्यू मिल गई इफ, इफ, यूजर ने नॉट इक्वल टू दिस एंड पासवर्ड नॉट नॉट इक्वल टू दिस सॉरी इफ इक्वल इक्वल टू अगर ये इक्वल इक्वल टू है तो यहाँ पे हम अभी के लिए एक अलर्ट बॉक्स दिखा देते हैं अगर हमें कोई इन फ्यूचर कोई यू मिली तो उसको हम यहाँ पे दिखा देंगे ठीक है यू मस्ट एंटर बोथ ठीक है तो ये हमारा हो गया अब हाँ एक चीज और थी आ, हर बार जब भी जब भी, भी हमें पोस्ट रिक्वेस्ट करनी होती तो हमें सी एस आर एफ टोकन चाहिए होता है तो सी एस आर एफ टोकन हम ले लेंगे सी एस आर एफ टोकन के लिए हम सबसे पहले एक बेस और डेस्टमएल में एक इनपुट फील्ड बना लेंगे और उसी से हम सी एस आर एफ टोकन उठा लेंगे तो यहाँ पे लिख लेते हैं इनपुट टाइप हिडन और इसमें जो आई डी होगी इसका नाम लिख देते हैं सी एस आर एफ और इसकी जो वैल्यू होगी वो हमारी जो सी एस आर एफ की वैल्यू होती है वो सी एस आर एफ अंडर स्कोर टोकन ठीक है तो ये हमें टोकन की वैल्यू मिलवाएगी क्योंकि जब भी हम पोस्ट रिक्वेस्ट करते हैं तो हमें सी एस आर एफ टोकन चाहिए होता है ठीक है जब फेच से पोस्ट करते हैं तब वार सी एस आर एफ फिर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी सी एस आर एफ डॉट वैल्यू तो ये हमें सी एस आर एफ टोकन मिल चुका है अब हम यहाँ पे फेच जो हमारी ए पी आई होती है उसकी मदद से हम यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट करेंगे तो पोस्ट रिक्वेस्ट करने के लिए सबसे पहले हमें फेच जो अपना प्रॉमिस होता है उसे बनाना पड़ेगा सबसे पहले हमें यूजर पासवर्ड मिल गया अब एक डाटा नाम से एक डिक्शनरी बना देते हैं उसमें हम ये की वैल्यू डाल देते हैं यूज़र नेम इज इक्वल टू यूज़र नेम और ये हो जाएगा हमारा पासवर्ड इज इक्वल टू पासवर्ड ठीक अब फेच करेंगे और जो हमारा राउट है वो है एपीआई स्लैश लॉग इन करके उसमें हम क्या करेंगे पोस्ट रिक्वेस्ट हमें करनी है तो उसके लिए यहां पे लिखेंगे मेथड इक्वल टू पोस्ट मेथड जो हमारा है वो क्या हमारा पोस्ट मेथड है उसके बाद में उसमें जो हेडर्स हैं वो हैं हमारे हेडर्स जो हैं वो हमारा हो गया कंटेंट टाइप है ना एप्लीकेशन स्लैश जेसन और इसके अंदर हमें एक्स सी एस एफ टोकन पास करना पड़ेगा यहाँ पे लिखते हैं एक्स हाइफन सी एस आर एफ टोकन और इसमें लिख देते हैं जो वैल्यू सी एस आर एफ की मिलती है उसको हम पास करेंगे ओके तो ये हमारा काम हो गया अब यहाँ पे बस हमें बॉडी लिखनी होगी बॉडी और बॉडी के अंदर जेसन डॉट फाइ करके डेटा को भेज देंगे ओके okay, अब ये जो आ, डेटा है ये आ, हमें वो रिटर्न करेगा तो रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट डॉट जेसन फिर डॉट डेन और रेस्पॉन्स इक्वल टू कंसोल डॉट लॉग रेस्पॉन्स अब इस ए पी आई को हम चेक करते हैं और ये जो हमारा लॉग इन है पेज है यहाँ पे हम अपने फॉर्म को हटा देंगे क्योंकि फॉर्म का ऐसा सच हमें कोई काम है नहीं हम जो डेटा है वो ए पी आई से लेकर के आ रहे हैं मतलब ए पी आई से सेट वेट कर रहे हैं मतलब फैच करके ऑथेंटिकेट कर रहे हैं ठीक है और जब इस पर क्लिक होगा तो हम ऑन क्लिक करके एक इवेंट लगा देंगे लॉग इन और अब इसको एक बार चेक करते हैं इसको करते हैं साइड में ठीक कुछ ऐसा आ रही है कोई दिक्कत नहीं इसको भी दिखते हैं क्या है और अगर हम यहाँ पे ऐसे ही साइन इन करेंगे लॉग इन इज़ नॉट डिफाइंड हमने शायद ये जो अपनी मेन डॉट जी एस ऐसे इम्पोर्ट नहीं किया तो इम्पोर्ट कर लेते हैं मीडिया जे एस मेन जी एस रिफ्रेश किया साइन इन पर क्लिक किया लॉग इन इज नॉट डिफाइंड ऐसा क्यों हो रहा है ओके okay. कंसोल डॉट लॉग ओके ये क्या इशू आ रहा है अगर हम मेन डॉट सी एस एस किया हुआ मेन डॉट जी एस होगा ओके okay. जस्टिन केस लट्सी क्या मैं बताऊ यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग होगा वहां पर वो लिखा हुआ है ठीक cannot रीड the प्रॉपर्टी ऑफ नल लाइन नंबर थ्री डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बी एस आर हो गई हमारी csrf बॉडी में तो ये ओहो ये हमें लॉग इन में तो होना ही चाहिए यार एक सेकेंड अगर हम इसका व्यू सोर्स करते हैं तो ये तो आईडी है और अगर हम यहाँ पे ये कर रहे हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट क्या इशू कर रहा है कैनोट रीड द प्रॉपर्टी ऑफ नल एक सेकेंड अगर हम चलो इसको हम इसी के अंदर लिख लेते हैं ऐसे कोई ऐसाच इशू नहीं होगा डॉट वैल्यू करके तो अब अगर हम ये करते हैं तो देखो यूमा सेंटर बोथ और अगर हम यहाँ पे एडमिन और पासवर्ड डालते हैं one, two, करके। मिसिंग और <laughs> तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ गलत किया हुआ है तो यार इशू ये है कि ये हम लोगों ने मिस्टेक दी जो हैडर है ये इसके अंदर आएगा है ना हेडर के अंदर सी एस आर एफ टोकन पास किया जाता है अब इसको हम एक बार फिर से रीलोड करते हैं पेज को और यहाँ पे पास करते हैं एडमिन और पासवर्ड में डाल देते हैं वन टू थ्री करके तो अब देखो वेलकम आ गया ओके और अगर हम यहाँ पे गलत पासवर्ड डालेंगे तो देखो इनवैलिड पासवर्ड कर रहा है तो अब तुम्हें आई होप चीजें समझ में आ गई होंगी तब हम क्या करेंगे जैसे ही ये मतलब हमारे पास रेस्पॉन्स जो आ रहा है टू हंड्रेड आएगा है ना तो फिर उसको क्या कर देंगे इफ़ रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस इक्वल इक्वल टू टू हंड्रेड तो फिर हम क्या कर करेंगे विंडो डॉट लोकेशन डॉट रीलोड करा देंगे मेन पेज की तरफ ठीक अदरवाइज़ उसको यहाँ पे जो भी हमारे पास एरर आया होगा वो हम अलर्ट प्रिंट करा देंगे रेस्पॉन्स डॉट मैसेज करके और यहाँ पे जो फ़ालतू चीज़ें हैं जैसे कि किड पासवर्ड वगैरह इनको भी हटा देते हैं क्योंकि इनका सच अभी हमें कोई काम नहीं है रिमेम्बर वाला भी हटा देते हैं ठीक तो यह बहुत ना सिंपल मिनिमलिस्टिक यू आई हो गई है और ज़्यादा यू आई पर ध्यान नहीं देते हैं तो अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे कुछ और तो देखो इसने क्या इनवैलिड पासवर्ड करके दे दिया क्योंकि हमने अभिजीत नाम से एक यूज़र नेम बना चुके हैं अगर मैं कुछ और लिखूँ तो यहाँ पे क्या क्या है इनवैलिड यूजर नेम यूजर नॉट फाउंड इस तरीके से यार तो, टोस तुम यहाँ पे कोई दिखा सकते हो बोथ स्ट्रैप के टोस मैसेज होते हैं और कोई कई सारे अलर्ट होते हैं तो उनको दिखा सकते हो अगर हम सही पासवर्ड यहाँ पे और सही यूज़र डालते हैं तो हम यहाँ पे लॉग हो गए और लॉग हो करके हमें जाना कहाँ होगा उससे हम भेज देंगे आ... उससे हम भेज देंगे मेन पेज पे विंडो डॉट लोकेशन डॉट एच आर ई एफ इक्वल टू दस वन तो एक बार रिफ्रेश करते हैं और एडमिन वन टू थ्री करते हैं ठीक तो ये हमारे पास ये हमारी जो लॉगिन वाली एपीआई है वो काम करने लगी है अब वैसे ही जैसे यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा तो यहाँ पे हमें लॉगआउट का बटन दिखाना होगा और उसको चलते हैं कर लेते हैं सबसे पहले जो अपना व्यूज़ एपीआई है इसमें हमने लॉगिन किया हुआ है हाँ इसमें क्या करना इसमें हमें लॉगिन करना होगा तो लॉग इन रिक्वेस्ट और यूज़र ओ बी चेक करना होगा तो ये लॉगिन हो जाएगा और जो यहाँ पे ये बटन है हमारा एड ब्लॉक का इससे हमें लॉगआउट में कन्वर्ट करना होगा जैसे ही यूज़र ऑथेंटिकेट कर लेगा तो चलते हैं यहाँ पे लिखते हैं इफ़ रिक्वेस्ट डॉट यूज़र डॉट थेंटिकेटेड तब हमें उसे लॉगआउट का बटन दिखाना है अदरवाइज इसको ये वाला बटन दिखाना है एंड इफ ठीक है अभी लॉगआउट का है नहीं तो इसको बटन को लॉग आउट कर देते हैं और इसमें बी प्राइमरी की जगह डेंजर कर देते हैं ठीक तो ये हमारा यूज़र लॉग आउट और लॉग इन का बन चुका है अगर हम लॉगआउट करेंगे तो वो लॉगआउट हो जाएगा अब हम चलते हैं यहाँ पे इसको दो तीन चीज़ें और दिखाते हैं कि जब ब्लॉग ऐड करने वाला तो एक और बना लेते हैं मेन्यू यहाँ पे जो कि होगा ऐड ब्लॉग्स ऐड ब्लॉग्स में क्या होगा जहाँ पे वो जाकर के ब्लॉग अपने देख सकता है और इसका कलर कर देते हैं इन एड बग्स हो गया ठीक है और यहाँ पे सारे उसके ब्लॉग दिखेंगे तो अब हम चलते हैं ब्लॉग को ऐड करने वाला पेज बना लेते हैं तो ऐड ब्लॉग में क्या करना होगा सबसे पहले हमें अपने व्यूज़ में चलना होगा और यहाँ पे एक ऐड ब्लॉग नाम से फंक्शन लिखना होगा डेफ एड ब्लॉग एड ब्लॉग डॉट एस टी एम एल रेंडर करना होगा और यहाँ पे फिर से ये वही सेम चीजें इनहेरिट करेगा पेस्ट और ये हो जाएगा हमारा क्या एंड ब्लॉक करके ठीक तो ये हमारा पेज हो गया अब इसका यूआरएल सेट कर लेते हैं अभी मेरे पेज ही बनाना है एड हाइफन फ्लॉग ठीक एड ब्लॉग एड ब्लॉग और ये जो हमारा पेज डॉट है इसमें हम इसको यहाँ पे पेस कर देते हैं अब हम जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो ये एड ब्लॉग नाम से फंक्शन आ गया अब यहाँ पे हमें वो फ्लोरा जो जे एस हमने बनाया था उसे इम्पोर्ट करते हैं और उसके बाद में यहाँ पे जो पूरा फॉर्म होता है उसको रेंडर करते हैं तो सबसे पहले इसकी यू आई बना देते हैं क्लास ऑफ कंटेनर कंटेनर उसके बाद क्लास ऑफ क्या कर सकते हैं यहाँ पे कंटेनर हो गया अब यहाँ पे फॉर्म बनाते हैं फॉर्म जो मेथड होगा वो हमारा होगा क्या इक्वल टू पोस्ट ओके और पोस्ट करने के बाद में फिर यहाँ पे हमें टाइटल करना होगा डिव क्लास ऑफ रो डिव क्लास ऑफ कॉल एम डी ऑफ ट और लेबल हो जाएगा एंटर ब्लॉक टाइटल करके उसके बाद में फिर यहाँ पे सबसे पहले क्या हो जाएगा इनपुट टाइप टेक्स्ट क्लास ऑफ फॉर्म कंट्रोल प्लेस एंटर टाइटल और जो नेम हो जाएगा वो यहाँ पे टाइटल ठीक तो ये हमारा टाइटल हो गया अब उसके बाद फ्लोरा की मदद से हम यहाँ पे वो रेंडर करेंगे तो यार फ्लोरा के लिए हम यहाँ पे यूज कर रहे थे क्या आ, फ्लोरा की लाइब्रेरी यूज़ कर रहे थे जेंगो वाली है ना तो उसी जेंगो से हम फॉर्म बनाएंगे तो फॉर्म बनाते हैं जेंगो फॉर्म बनाएंगे फॉर्म डॉट पी वाई करके अब देखो क्या होता है देखो जैसे कि जो भी हमने जैंगो एडमिन पैनल के अंदर फ्लोरा तो लगा लिया बट वही फ्लोरा एडिटर तो हमें यहाँ पे भी रेंडर करना है ना तो हम वो मैनुअली ना करके जैंगो जो हमने लाइब्रेरी इंस्टॉल करी है उसमें उससे करेंगे ठीक है तो उससे हमारा फायदा ये रहेगा कि हमें थर्ड पार्टी को लाइब्रेरी मतलब एज सच नहीं कर वो अपने आप ही हैंडल हो जाएगा लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारी विजिट्स और फॉर्म हैं वो हैंडल कर लेते हैं तो फ्लोरा के लिए ये हमारी फील्ड थी जिससे एडमिन पैनल में फ्लोरा एडिटर आ गया अब इस फॉर्म की मदद से इसमें एडिटर लेकर के आएंगे ठीक है तो फॉर्म जेंगो ये सब इम्पोर्ट करते हैं उसके बाद क्लास बनाते हैं क्लास ब्लॉक फॉर्म करके मॉडल फॉर्म डॉट फॉर्म से इसने इनहेरिट कर लिया फॉम फ्राम डॉट मॉडल फॉर्म सॉरी ठीक है उसके बाद में क्लास मिट्टा और मॉडल का नाम हमने डाल दिया जो हमारा है ब्लॉग मॉडल करके और ब्लॉग मॉडल को इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट ऑल ओके और इसके अंदर जो आ, क्या कहते हैं कोई फील्ड लगती है मे बी शायद मुझे याद नहीं आ रहा है आ, बट अभी इसको करते हैं तो पता चलता है कौन सी फील्ड ऐड करते हैं शायद एक फील्ड थी फील्ड करके ना फील्ड्स एक बार सर्च कर लेते हैं याद जब याद नहीं आते ना चीजें तो सर्च ही कर लेनी चाहिए जांगो फॉर्म्स करके स्टैक क्रिएटिंग जांगो फॉर्म करके मिल गया हमें उसने क्या बताया मॉडल थोड़ा तो इसने कुछ क्लास मिटा मॉडल फॉर्म ये अपने आप हैंडल कर लेते चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं अभी कुछ चीजें आएंगी तो पता चल जाएगा है ना अब ये फॉर्म को हमें यहाँ पे भे भेजना पड़ेगा अपने व्यूज के अंदर तो इस फॉर्म को हम इम्पोर्ट कर लेते हैं पहले फॉर्म डॉट फॉर्म्स इम्पोर्ट ऑल और ये जो हमारा एड ब्लॉक है इसके अंदर कॉन्टेक्ट के अंदर हमें इस फॉर्म को भेजना पड़ेगा फॉर्म ओके ब्लॉक फॉर्म फॉर्म डॉट फॉर्म इंपोर्ट ऑल ब्लॉक फॉर्म अब एटफ में चलते हैं और यहाँ पे लिखते हैं डिव क्लास ऑफ कॉल एम डी ऑफ ट्वेल और फॉर्म डॉट एस पी और फॉर्म डॉट मीडिया में बी आ जाए तो सही रहेगा और फील्ड्स देखो करके नाम से है तो फील्ड्स के अंदर हमें ऐड करना पड़ेगा कौन से फील्ड को हमको खाली कंटेंट फील्ड चाहिए कंटेंट कंटेंटल में होना चाहिए या फिर लिस्ट में होना चाहिए एपीआई बनाते-बनाते यार ध्यान नहीं रहता है फॉर्म चल गया ठीक है आई uh, होप फ्लोरा आया नहीं है इसमें अभी कुछ चीजें करनी पड़ेंगी लगता है क्लास ऑफ एम टी ऑफ फाइव पी टी ऑफ फाइव ओके और फुटर में भी हमें ऐड ऑन करना पड़ा चलो एम बी एम बी कर लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है डिजाइन का ऐसा इतना इशू नहीं है एम बी ऑफ फाइव पी बी ऑफ फाइव करके ठीक है अब क्या हुआ ये फॉर्म तो हमने पास कर दिया बट यहाँ पे आया नहीं है सॉरी कंटेक्सट ही हमने नहीं पास किया हुआ है अभी ठीक है अब इसको रीलोड करते हैं तो ये हमारा फ्लोरा आ चुका है अब देखो क्या हुआ फ्लोरा की मदद से हमने यहाँ पे कंटेंट डालेंगे और जो भी हमारा जांगो का ब्लॉग होगा ब्लॉग डालेंगे उसके बाद में यहाँ पे हमें एक डिस्प्ले इमेज बनानी होगी तो उसके लिए एक और यहाँ पे करके एक बना लेते हैं तो इनपुट टाइप टेक्स्ट टाइप में क्या करेंगे फाइल ओके सो so, ये हमारा फाइल हो गया अब यहाँ पे एक सबमिट बटन लगा देंगे हैं बटन टाइप सबमिट क्लास ऑफ बी टेन बीटेन सी आर ई ए ट्रिएट ब्लॉक और यहाँ पे एम टी ऑफ फोर ओके तो ये हमारा ब्लॉग वाला पूरा काम हो चुका है ब्लॉग टाइटल डालोगे कंटेंट डालोगे ये अब हमें पोस्ट रिक्वेस्ट को हैंडल करना पड़ेगा तो पोस्ट रिक्वेस्ट के लिए क्या करेंगे सबसे पहले ट्रैक लगाएंगे और लिखेंगे इफ रिक्वेस्ट डॉट मैथड इक्वल इक्वल टू पोस्ट है ना? और अपना एक्सेप्शन एक्सेप्शन एज ई प्रिंट ई करके ठीक अब जैसे ये आ जाएगा तो हमें फॉर्म से डेटा लेकर के आना होगा तो फॉर्म के लिए ये था यहाँ पे इसने लिखा हुआ था हम्म फॉर्म से डेटा इस तरीके से आएगा हम्म ये था हमारा सॉरी ब्लॉक फॉर्म अब हमें इमेज भी चाहिए होगी तो इमेज के लिए क्या करेंगे रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स और जो फाइल का नाम है इमेज है टाइटल के लिए क्या करेंगे रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट टाइटल हाँ अब ये सारी हमारे पास चीजें आ चुकी हैं अब आने के बाद में हम ब्लॉक को क्रिएट करेंगे यूजर हमारे पास रिक्वेस्ट डॉट यूजर करके आ जाएगा हम्म यूजर इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट यूजर अब हम करेंगे ब्लॉग को क्रिएट ब्लॉग डॉट ब्लॉग मॉडल डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट यूजर इज इक्वल टू यूजर टाइटल इक्वल टू टाइटल कंटेंट इक्वल टू कंटेंट और इमेज इक्वल टू इमेज अब हमें फॉर्म uh, का डेटा लेने के लिए लिखेंगे यहाँ पे इफ फॉर्म डॉट इज अंडरस्कोर वैलिड अगर फॉर्म हमारे पास वैलिड है तो कंटेंट इज इक्वल टोअल टू फॉर्म ऑफ फॉर्म डॉट सेव कर सकते हैं और फॉर्म डॉट गेट क्लीन डेटा करके एक मेथड होता है उससे हम uh, निकाल सकते हैं गेट क्लीन डेटा ठीक तो यहाँ से कैसे निकलेगा व यूज ऑफ क्लीन डेटा फॉर्म डॉट क्लीन डेटा ये इस तरीके से आता है फॉर्म डॉट क्लीन डेटा और डॉट uh, जो भी इसका नाम होगा कंटेंट ना ओके okay? सो so, एक बार फिंगर क्रॉस करके चेक करते हैं और रिटर्न करा देंगे रिटर्न रिडायरेक्ट जो भी ये पेज है ऐड ब्लॉक करके ठीक और रिडायरेक्ट को कर लेते हैं हम इंपोर्ट अब एक बार क्रिएट करके देखते हैं पेज कर लेते हैं एक बार ठीक है चूज करते हैं फाइल को सी एस टोकन नहीं लगाया हमने फॉर्म के ऊपर टोकन hmm. एक बार फिर से फिंगर क्रॉस करके रीलोड करते हैं पेज को आ, कुछ आया कि नहीं आया ये बात चेक करना पड़ेगा नहीं आया एक्सेप्शन आया को इसी इसीलिए फायदा होता है एक्सेप्शन का डब्ल्यू एच एज नो एड एम ई टी ठीक है एक बार क्या करते हैं ब्लॉग ओ बीजे को प्रिंट भी करा लेते हैं तो यहीं पे क्लियर हो जाएगा मतलब बना था कि नहीं बना था ब्लॉग ओ बीजे बस फिर से इसको करते हैं रीलोड और इमेज को करते हैं चूज डब्ल्यू हैज इज ऑन एट्रीब्यूट फाइल रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स ओके इमेज नाम से कोई डिक्शनरी नहीं है सॉरी <laughs> एक बार फिंगर क्रॉस द अगेन mm-mm <laughs> क्या इशू है दिस डॉट फाइल्स यही तो किया हुआ है रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स ऑफ ये तो भाई सही तो किया हुआ है क्या इशू आ रहा है अगेन एक बार ट्राई करते हैं इसको एक बार इसको प्रिंट करा के देखते हैं क्या होता है खाली आ रहा है भाई इतनी बड़ी गलती हो गई हमसे क्या मैं बताऊं यहां पे जब तक तुम एंग टाइप मल्टी पार्ट नहीं लिखोगे तब तक ये फॉर्म ही नहीं इमेज ही नहीं अपलोड करने देगा इतना ज्यादा खराब लगता है यार ठीक है आ, अब मे भी शायद आ जाए अब एक सेकेंड अब इसको फिर से अच्छे से रिफ्रेश करके ठीक है अब देखो क्या कह रहा है ब्लॉग इशू। इशू मॉडल फील्ड दी हुई है created, इसमें, 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 इसमें की ही नहीं डाली भाई सबसे बड़ी गलती तो ये हो गई तो यूजर इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट फॉरन की यूजर ब्लैंक ट्रू नल ट्रू क्योंकि अब करना पड़ेगा ऑन डिलीट मॉडल्स डॉट कैसकेट फिर से एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं सॉरी माइग्रेशन करते हैं पाइथन मैनेज डॉट पी वाई मेक माइग्रेश ओके ऑन डिलीट ऑन अंडर डिलीट पाइथन मैनेज डॉट पी वाई माइग्रेट किया हमने इसको फिर पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर कर दिया ओके okay, अब एक बार इसको रीलोड मतलब सॉरी इसको पोस्ट करते हैं अब ये ब्लॉक क्रिएट हो चुका है ठीक है एक ये ब्लॉग आ गया तो भाई इस तरीके से देखते हैं सक्सेसफुली हमने ब्लॉग बनाया है अब इस ब्लॉग को हम यहाँ पे रेंडर कराते हैं मतलब यहाँ पे जो लूप होता है उस लूप की मदद से यहाँ पे ले के आते हैं तो चलते हैं अपने मेन वाले व्यूज में और यहाँ पे करते हैं क्या सबसे पहले मैं क्या करना होगा सारे ब्लॉक को लेकर के आना होगा तो कॉन्टेक्स्ट में हम पास कर देते हैं ब्लॉक्स करके और यहाँ पे क्या करते हैं ब्लॉग मॉडल डॉट ऑब्जेक्ट डॉट ऑल कर लिया ऑल करने के बाद में यहाँ पे कंटेक्स में हमने इसको पास कर दिया अब ये जो ब्लॉग्स आया हुआ है इसे हम यहाँ पे लूप कर लेंगे ठीक है और लूप करने के लिए हमें इसके रो पे लूप स्टार्ट करना होगा तो फॉर ब्लॉग इन ब्लॉग्स ओके फिर एंड ब्लॉग और ये जो एच आर ई एफ होगा ये हमारा अभी हमने पेज तो नहीं बनाया है तो लेकिन अभी बनाना तो पड़ेगा ही तो ब्लॉग डिटेल से पेज बना लेंगे ठीक है ब्लॉग डिटेल उसके अंदर हम पास कर देंगे क्या स्लग अपना तो जो भी ब्लॉग का स्लग आ रहा होगा तो ब्लॉग डॉट स्लग करके पास कर दिया हमने इसके अंदर ओके फिर जो भी इमेज है उसे हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं इमेज के लिए इसे हम ऐसे से करते हैं ब्लॉग डॉट uh, किस में हमने इमेज सेव करी थी इमेज नाम से ही चीज़ थी ना इमेज हाँ तो इमेज नाम से है तो यहाँ पे लिखेंगे क्या ब्लॉग डॉट इमेज और इसके आगे स्लैश मीडिया कर लेते हैं ठीक फिर कैटेगरी uh, हम लिख नहीं रहे हैं तो इससे अच्छा हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं प्रिंट जो यूज़र है तो ब्लॉग डॉट यूज़र डॉट यूज़र नेम ठीक क्योंकि देखो फॉरन की है यूज़र तो उसकी हम डॉट लगा करके उसकी चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं फिर से इसको आ, इसकी जरूरत पड़ेगी हमें एच आर एफ की क्योंकि नीचे भी एक ये है ठीक है आ, अब हम यहाँ पे इसका थोड़ा तो सा टाइटल प्रिंट करा देते हैं ब्लॉग डॉट टाइटल ओके फिर यहाँ पे आएगी तुम्हारी डेट की कब ये क्रिएट हुआ था तो ब्लॉक डॉट क्रिएटेड एट और थोड़ा सा ब्लॉक का टेक्स्ट अगेन यहाँ पे एक हमें जरूरत पड़ेगी इसकी एच की पेस्ट कर दिया हमने रीड मोड जब कोई क्लिक करेगा और थोड़े से टेक्स्ट की भी हमें यहाँ पे जरूरत पड़ेगी तो टेक्स्ट के लिए हम यहाँ पे कर सकते हैं ब्लॉग डॉट कंटेंट यहाँ पे भी हमें ट्रंक ऐद लगाना पड़ जाएगा ब्लॉग डॉट ये देखो ये यह यहाँ पे एरर आ गई क्या इनवैलिड यू आर एल यहाँ पे लिखते हैं और ब्लॉग डिटेल ओके okay, अब ये ब्लॉक डिटेल हमसे एक राउट बना लेते हैं अभी के लिए डेफ रिक्वेस्ट और ये लेगा क्या स्लग और ये रिटर्न करा देगा हमारा क्या ब्लॉक डिटेल डॉट एच टी एम एल ओके सो ब्लॉक डिटेल को हम करते हैं यहाँ से कॉपी और अपने यू आर एल्स में चलते हैं और इसको ऐड कर देते हैं पाथ ब्लॉक डिटेल और ये लेगा हमारे हमसे स्लग नेम इक्वल टू दिस ओके तो एक बार फिर से इसको रीलोड करते हैं क्या इश्यू आ गया अभी तो ये सेव नहीं हुआ है मे बी क्योंकि हमने यहाँ तो सही कर दिया है इसको रीलोड करेंगे अच्छा ये और जगह पे हमने यही सब कॉपी किया था ना तो यहाँ पे भी हमें हर जगह सही करना पड़ेगा सही हो गया सही हो गया एंड ब्लॉक और ये एंड फॉर करना पड़ेगा हमें यहाँ पे एंड फॉर हम्म ये हमारे सारे ब्लॉग आ चुके हैं इनमें हमें लगाना पड़ेगा सेफ पैरामीटर क्योंकि ये एस टी एम एल कर रहे हैं ठीक है सेफ पैरामीटर लग गया ये सारे हमारे ब्लॉग आ गए अब हम जब इन पर क्लिक करते हैं तो ये पेज खुल करके आ जाता है अब हम चलते हैं फिर से ब्लॉग डिटेल डॉट एस टी एम एल नॉट फाउंड एक ब्लॉग डिटेल नाम से शायद हमने बनाया था होम एड uh, ब्लॉक करके एक पेज बनाया था उसे उसका जो एस टी एम एल है वो हम यहाँ पे कॉपी बेस कर देते हैं डॉट एस टी एम एल ठीक है तो अब चलते हैं फिर से अपने पेज में और टेम्पलेट में जो हमारा पोस्ट नाम से था इसका जो एस टी एम एल है इसे कॉपी कर लेते हैं नाउ hmm, वॉट आई थिंक यहाँ से हमें कॉपी करना चाहिए सेक्शन हम्म सेक्शन से कमेंट्स हमें चाहिए नहीं कमेंट्स हम करवा नहीं रहे हैं तो जो भी कंटेंट था वो हमारा यहाँ तक कहा गया ठीक है तो अब हम इसमें फिर से इसको पेश कर देते हैं यहाँ पे और जो भी अपना एस टी एम एल था एक्सटेंड वाला उसको एक्सटेंड कर लेते हैं इसको हमने पेज कर दिया है अब यहाँ पे हमें एंड ब्लॉक कॉल करना पड़ेगा एंड ब्लॉक ठीक है इसको रीलोड करते हैं तो ये हमारा पूरा पेज आ चुका है अब क्या करते हैं इसमें थोड़ा बहुत सही वही करना पड़ेगा इसको ठीक है करते हैं अब इसमें से फालतू का जो एस टी एम एल है उसे रिमूव कर देते हैं आई uh, थिंक उसे हम यहां से रिमूव कर सकते हैं टेक्स्ट कंटेंट से ओके okay. और इसको भी हम यहाँ से हटा सकते हैं ठीक है तो ये हमारा कंटेंट वगैरह इनको भी हम हटा सकते हैं सच कितनी कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे ओके सो अब एक चलते हैं एक सच में एक अच्छा सा ब्लॉग लिखते हैं और उसके बाद इसको सब चीज़ें यहाँ पे पेश कर दे तो ब्लॉग के लिए हम चलते हैं अपने मीडियम वाली वेबसाइट में यहाँ से डिटेल कॉपी करेंगे और वही पेश कर देंगे और देखना बिल्कुल हु बहू इसी की तरह पेज खुल करके आएगा तुम्हारा अगर मैं करूँ जो वाला अगर हम मैं कॉपी करता हूँ और इसकी इमेज भी अगर मैं सेव कर लेता हूँ ठीक है हाउ कन्वीनियंस ओके okay. और उसके बाद में हम इसे पूरा कॉपी कर लेते हैं करके चल के ठीक है इसको हम यहाँ पे पेश करते हैं तो बिल्कुल देखो इस वही सेम टू तो सेम ब्लॉग आ गया इसमें से फाइल चूज करते हैं अपनी तो ये हमारा ब्लॉग बन चुका है ब्लॉक की इमेज आ गई हमारी ठीक है इसको अगर हम व्यू करते हैं तो ये यह हमें यहाँ पे पेज दिखाई पड़ेगा तो उसके लिए हमें इसमें डेटा भेजना पड़ेगा और उस स्पेसिफिक ब्लॉक को गेट करना पड़ेगा तो ट्राई लगा देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई और प्रिंट करा देते हैं ई को फिर कॉन्टेक्स्ट नाम से एक वेरिएबल बनाते हैं कॉन्टेक्स्ट ठीक इसमें कॉन्टेक्स्ट में, में डिटेल नाम से एक एडिशनरी लिस्ट बना लेते हैं एक सेकेंड कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल टू यहाँ पे पहले तो ब्लॉग ओबीजे से ब्लॉग अंडर स्कोर ओबीजे इज इक्वल टू ब्लॉग डॉट ऑब्जेक्ट डॉट फिल्टर स्लग इज इक्वल टू स्लग जो भी लगाया होगा है ना डॉट फर्स्ट कर लेते हैं ओके फिर ब्लॉग ओ में इसे हम यहाँ पे पास कर लेते हैं। अब उसके बाद में इस ब्लॉग ओबीजे में जो भी डेटा होगा वो हम यहाँ पे प्रिंट करा देंगे डॉट कंटेंट डॉट सेव और उसके बाद में जो भी इमेज अपलोड करी गई होगी वो हम यहाँ से उठा लेंगे ब्लॉग ओबीजे डॉट इमेज स्लैश मीडिया ओके अब एक बार रीलोड करते हैं अपने पेज को आई थिंक कुछ इशू हो गया है ठीक है कॉन्टेक्स्ट हमने पास नहीं किया होगा ये बहुत ज़्यादा इशू रह रहा है कॉन्टेक्स्ट पास कर दिया है पास करने के बाद में अब इसको अगर हम पेज को रीलोड करेंगे तो देखो भाई पूरा पूरा मीडियम का क्लोन आ गया है ना बस ये एक हमने एक्स्ट्रा चीज कॉपी कर ली थी तो वो थोड़ी इशू कर रही है बट एट एंड ऑफ द डे जो चीजें हमें चाहिए थी वो आ गई हैं और यहाँ पे इसको करते हैं कि टेक्स सेंटर तो इस तरीके से ये हमारे ब्लॉग एप्लीकेशन मतलब ब्लॉग हम अब हम लिख सकते हैं यहाँ पे अब हमें क्या करना होगा बस कुछ चीज़ें यहाँ पे जैसे क्या ये पूरा पूरा आ रहा है अब इसमें हमें क्या करना होगा ट्रंक कैर लगाना होगा कि या तो फिर हम हटा ही देते हैं इसको हटा देंगे ज़्यादा सही रहेगा या फिर हमें इसमें से टेक्स्ट सिर्फ और सिर्फ एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा तो वो हम बाद में देखते हैं बट अभी हम इसे यहाँ पे हाइड कर देते हैं जैसे कि इससे हम यहाँ पे कमेंट कर देते हैं ओके ओके okay. और यहाँ पे जो अननेसेसरी आरो वाला कमेंट है इसको तो ये देखो ये हमारा अच्छा सा प्यारा सा एक कार्ड लिख करके आ गया एडमिन रीड मोर इतने बजे ये अपलोड हुआ था और ये वो है ठीक तो क्या कर सकते हैं इनकी इमेज को हम सेटल आउट कर सकते हैं बहुत सारे यूआई पार्ट हैं बट अभी यूआई पार्ट पर भी हम ध्यान नहीं करेंगे अब हम चलते हैं यहाँ पे अब इसमें हम बनाते हैं यहाँ पे एक एडिट ब्लॉग का सेक्शन जहाँ पे जा करके हम सारे ब्लॉग को एडिट कर सकते हैं और कौन कौन से हमने ब्लॉग लिखे हैं स्पेसिफिकली उनको लिखते हैं तो सी सी अंडर स्कोर ब्लॉग डॉट एस टी एम एल ओके और अगेन ये पेज जो हमारा होगा वो फिर से इनहेरिट करेगा तो इससे कॉपीज कर लेते हैं इसको एक बार आवाज़ देख लेते हैं रिकॉर्ड हो रही है रिकॉर्ड हो रही है ओके अगेन फिर चलते हैं यहाँ पे और यहाँ पे गेट बुट स्ट्रैप से हम अपनी टेबल उठा लाते हैं गेट बुट स्ट्रैप से थोड़ी सी टेबल कॉपी कर लेते हैं ये वाली के। और सी ब्लॉक करके एक सारे ब्लॉक का नाम से फंक्शन बना लेते हैं डेफ सी ब्लॉग रिक्वेस्ट रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट सी ब्लॉग डॉट एस टी एम एल अब सी ब्लॉग में हम वो वाले ब्लॉग पास करेंगे जो रिक्वेस्टेड यूजर में होगा है ना तो ट्राई करते हैं अपने फिर से ट्राई एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई प्रिंट ओके फिर से यही चीजें करते हैं इस बार क्या करेंगे ब्लॉग ओ बीजे और इस बार रिक्वेस्ट डॉट यूजर से करेंगे और कॉन्टेक्ट नाम से अगेन ये वेरिएबल बना लेते हैं और सी ब्लॉक नाम से फंक्शन हमारा तैयार हो चुका है अब हम चलते हैं कहाँ पे आ, अपने यू आर एल्स में और यू आर एल्स में इसको सेट, सेटल आउट कर देते हैं पाथ सी ब्लॉग हाइफन सी ब्लॉग नेम सी ब्लॉग तो अब सी ब्लॉग पे क्या करते हैं यहाँ पे क्या करते हैं ब्लॉग डिटेल में नहीं यहाँ पे हमें आना पड़ेगा एड ब्लॉग में और यहाँ पे एक बटन बना लेते हैं बना देते हैं टैग और यहां पे फिर से जैंगो का यू आर एल खोला हमने सी ब्लॉग करके बनाया व्यू ब्लॉग्स ठीक है इसमें से थोड़ा सा स्टाइलिंग दे देते हैं क्लास ऑफ बीटीएन बीटीएन ऑफ वार्निंग हम्म व्यू यू ब्लॉग पर क्लिक करेंगे तो ये ये पेज खुल करके आ जाएगा अब इसमें थोड़ा सा एम टी लगा लेते हैं एम टी ऑफ फाइव अगेन यहाँ पे भी एम टी ऑफ फाइव लगाना पड़ जाएगा क्लास ऑफ एम टी ऑफ फाइव पी टी ऑफ फाइव ठीक है ओके तो ये हमारी टेबल बन करके आ गई है हम्म यहाँ पे हमारा होगा ब्लॉग टाइटल ठीक है और एक्शन से पहले क्रिएटेड एक्ट और एक्शन ठीक है एक्शन में दो चीजें होंगी डिलीट और उसका यहाँ पे फॉर लूप लगाएंगे अपना फॉर ब्लॉग इन ब्लॉग अंडर स्कोर ओ बी जे एस एंड फॉर यहाँ पे लगाएगा हमारा फॉर लूप काउंटर फॉर लूप डॉट काउंटर फॉर लूप काउंटर क्या करता है जितने भी जो भी नंबर ऑफ इट्रेशन होंगे उनको वो यहाँ पे प्रिंट कर देगा मतलब फर्स्ट फर्स्ट सेकेंड सेकेंड इस तरीके से ये हमेशा वन से स्टार्ट होता है ब्लॉग डॉट टाइटल उसके बाद ब्लॉग डॉट क्रिएटेड एट और यहाँ पे होगा क्या एच आर ई एफ अभी इसमें हैश कर देते हैं अपडेट क्लास ऑफ बी टी एन बी टी एन ऑफ सक्सेस फिर यहां पे होगा क्या व्यूज में चलना पड़ जाएगा फिर से अगेन व्यूज कहा क्या हुआ था कॉन्टेक्स्ट नहीं पास किया है ब्लॉक मॉडल ऑब्जेक्ट इज नॉट इटरेबल ब्लॉक डॉट ऑब्जेक्ट डॉट कहाँ पे इशू आया है नंबर थर्टी थ्री यहाँ तो नहीं आ सकता है Log, क्या इशू है इसमें बल ये क्या आ रहा है इशु? तो हमारे पास डेटा तो जा रहा है बट इशू इसमें क्या हो रहा है फर्स्ट <coughs> कर दिया भाई क्या गलतियां हो रही हैं आज ठीक <laughs> है तो ये हमारे ब्लॉग के आ गए सारे ये मतलब दो ब्लॉग हमने लिखे थे अपडेट और डिलीट डिलीट में हम यहाँ पे एक बटन लगाना चाहते थे वो वाला तो आया नहीं पाया डेंजर करके और डिलीट ठीक है तो अपडेट का एक फंक्शन बना लेते हैं ब्लॉक अपडेट और इसमें हम पास करेंगे क्या ब्लॉक डॉट स्लग ओके और डिलीट का भी ऐसे ही बनेगा और डिलीट में हम आईडी भी पास कर सकते हैं सच कितना खतरनाक चीज़ नहीं है डिलीट ब्लॉक डॉट आई ओके अब हम चलते हैं इसको कॉपी करते हैं फिर से चलते हैं आठ ब्लॉक के नीचे और यहाँ पे करते हैं डेफ ब्लॉक डिलीट और ये लेगा तुम्हारा रिक्वेस्ट और ये लेगा आईडी अब ये ट्राई करेगा और एक्सेप्ट करेगा एक्सेप्शन एज ई प्रिंट ठीक और ब्लॉग ओ बीजे इज इक्वल टू ब्लॉग ऑब्जेक्ट डॉट गेट आई डी इज इक्वल टू आई डी और हमें चेक करना पड़ेगा डिलीट करने से पहले कि क्या जो ब्लॉग एडिट कर डिलीट कर रहा है कि ये उसी का ब्लॉग है कि अदरवाइज़ ऐसा तो नहीं कि कोई और यूज़र डिलीट कर रहा है तो ब्लॉग डॉट यूज़र इक्वल इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट यूज़र तो अब तो ये ब्लॉग ओ बी जे डॉट डिलीट करो अदरवाइज़ इसको एरर ओके तो ये ब्लॉग डिलीट हमारा फंक्शन बन चुका है अब हम चलते हैं यू आर एल में इसे ऐड ऑन कर देते हैं Name, block, जो कि ले एक आई डी और ऐसे ही हमें एक फंक्शन और बनाना है ब्लॉग अपडेट का जो ब्लॉग को क्या करेगा अगर सपोज दैट किसी को ब्लॉग अपडेट करना होगा तो वो अपडेट कर सकता है तो ब्लॉग अपडेट करके एक फंक्शन बना लेते हैं ब्लॉग ओ डॉट ऑब्जेक्ट डॉट गेट स्लग करते हैं यहाँ पे स्लग और फिर से यहाँ पे स्लग और अगर ये यूजर इसका नहीं है तो इसको यहीं से वापस भेज देंगे है ना तो करेंगे क्या यहाँ पे करेंगे रिटर्न रिडायरेक्ट स्लैश अदरवाइज फिर से हमारा वही चीजें करनी पड़ेंगी जो डेटा है और कॉन्टेक्स्ट में हमें ये इसका डेटा भेजना भी पड़ेगा कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल टू दिस और कॉन्टेक्स्ट में हम पहले तो इसका डेटा भेजेंगे कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट ठीक है तो ब्लॉग ओबीजे जे होगा हो, 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 मतलब ये चला जाएगा यहाँ से और रिटर्न रिडायरेट कर देंगे क्या रिटर्न रेंडर कम्पलीट करा देंगे अपनी क्या अपडेट ब्लॉक की अपडेट ब्लॉक डॉट और इसमें भेजेंगे क्या कॉन्टेक्स्ट और अपडेट ब्लॉक नाम से डॉट बना लेते हैं और ये सेम टू सेम हमारी एड ब्लॉक जैसी होगी और बस इसमें हम अपडेट ब्लॉक में इसको ऐसे पेश कर देंगे अब बस हमें करना क्या होगा जहाँ पे जो हमारे पास फॉर्म आ रहा है फॉर्म तो हम भेजेंगे ही भेजेंगे बट उसमें हमें इनिशियल वैल्यू को ऐड करना पड़ेगा सपोज दैट अगर हम ब्लॉग को एडिट करें तो हमें उसकी जो पहली जो चीजें होंगी वो हमें चाहिए होंगी ना तो तभी तो हम ब्लॉग को अपडेट कर पाएंगे ऐसा तो नहीं फिर से हम ब्लॉग नया बनाएंगे तो भाई अपडेट करने का मतलब ही क्या हो गया तो इनिशियल वैल्यू को हमें भेजना पड़ेगा तो उसके लिए हम यहाँ पे चलते हैं फिर से सर्च करते हैं एड इनिशियल वैल्यूज टू जेंगो फॉर्म तो ये हमें मिल गया आंसर इसका ये होता है इस तरीके से कहा गया अगर हमें इनिशियल वैल्यू भेजनी होती तो ये देखो ये डेटा है इस तरीके से इनिशियल डिट करके हमें भेजना होता है चलो को सब समझ में आ गया हमें तो यहाँ पे क्या करेंगे फॉर्म जो हमारा फॉर्म था इसको हम ऊपर बनाएंगे है ना लिखेंगे क्या फॉर्म फॉर्म में हमारा क्या हो गया ब्लॉक फॉर्म करके जो हम न... Uh, क्या नाम था मैं फॉर्म का ब्लॉक फॉर्म अगेन फिर से व्यूज में चलते हैं यहाँ पे आ ब्लॉक फॉर्म और इसमें जो डेटा रहेगा वो हमारा इनिशियल स्टेज uh, का जो डेटा रहेगा वो हमें ऐड करना पड़ेगा फॉर्म आ गया ब्लॉक फॉर्म और एक इनिशियल डिक्ट नाम से एक बना लेते हैं और इसके अंदर करेंगे क्या कंटेंट जो कि ब्लॉग डॉट कंटेंट और इनिशियल इज इक्वल टू ठीक है तो ये क्या करेगा जो भी कंटेंट होगा वो पहले ही इसमें डाल देगा तो इस फॉर्म को भी हम अपने कॉन्टेक्स्ट में भेज देंगे इस फॉर्म को ओके okay, तो अब आई होप ये चीज़ें काम समझ में आ रही होंगी ठीक है अब फिर से वही रिक्वेस्ट डॉट डेटा जो पोस्ट करेंगे अगर हमारे पास ये डेटा आता है तो फिर से हम इसे अपडेट करेंगे अदरवाइज नहीं अपडेट करेंगे तो यहाँ पे चलते हैं इनिशियल फॉर्म ओके okay. तो आई थिंक अब चीज़ें समझ में आ रही होंगी और चीज़ें वर्क भी कर रही हैं तो एक बार अपडेट करके देखते हैं अपडेट ब्लॉग करके जो यू आर में ऐड करते हैं पात बनाया हमने अपडेट ब्लॉग का इसमें पास करेंगे हम अपने स्लग ओके नेम इसका दे दिया अपडेट ब्लॉक करके ब्लॉक अपडेट सॉरी फिर इसको अपने जो हमारा बेस ब्लॉक डिटेल करके नहीं सी ब्लॉक करके जो हमारा एस टेम्पलेट था उसमें चलते हैं और इसे ब्लॉक अपडेट को यहाँ पे कर देते हैं आ, 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 आ। क्या इशू हो जा रहा है यहाँ पे यू आर एल नहीं लिखा हुआ है यार ये बहुत मतलब जब रेस्ट फ्रेमवर्क में काम करो इसमें काम करो एकदम मतलब चीज़ें भूलने लगोगे ठीक है तो ये हमारा ब्लॉग था इसमें डेटा हमारा आ गया वैसे ही हमें टाइटल को भी यहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा अपडेट ब्लॉग में चलते हैं यहाँ पे टेस्ट वैल्यू में लिख देते हैं क्या ब्लॉग अंडर स्कोर ओ बीजे डॉट टाइटल टाइटल आ गया हमारा और अगर हमें इमेज अपलोड करनी होगी तो हम इमेज को अपलोड कर सकते हैं तो एक और चलते हैं मीडियम में और एक बार कॉपी करते हैं कोई और ब्लॉग पोस्ट करते हैं कॉपी इसको किया पेस्ट ठीक है और कोई इमेज अगर हम जाए डाउनलोड कर लेते हैं पैक्सल से स्क्वायर इमेज अरे भाई इमेज मिल जाए यार अगर चलो ये मिली एक इसको अगर हम सेव कर लेते हैं और हम यहाँ पे इसको अगर हम अपडेट करते हैं इस इमेज को तो ये हमारा ब्लॉग अपडेट हो गया है तो ये देखो हमारे दो ब्लॉग आ गए हैं ओके सो देख सकते हो ये दो ब्लॉग आ चुके हैं क्लिक करोगे तो वही सारा डेटा आ गया तो यार इस तरीके से हमारा ये ब्लॉग का एप्लीकेशन तो अब मेजरली कंप्लीट हो गया है अब हमें इसमें मेजरली डिलीट वाले पे काम करना है एक बार देखते हैं इसको डिलीट करके तो ये डिलीट भी हो गया ब्लॉग हमारा और अब हमारी सारी चीजें काम करने लगी हैं और इन दोनों को भी डिलीट कर देते हैं इन ब्लॉग को अगर हम एडमिन पैनल में जाते हैं ब्लॉग मॉडल्स ओके okay, तो अब हमारी ये ब्लॉग वाला काम कंप्लीट हो गया अब हम चलते हैं आउट को बनाते हैं और अपने यूज़र को ऑथेंटिकेट करते हैं मतलब अनऑथेंटिकेटेड यूज़र मतलब जिसका ई मेल वेरीफाई नहीं हुआ होगा वो यूज़र नहीं जा पाएगा और हर जगह लॉग इन रिक्वायर्ड ऐड करते हैं तो आउट के लिए सबसे पहले कर लेते हैं आउट बहुत ईजी पड़ जाएगा हम लोग को तो चलते हैं अपने व्यूज़ डॉट पी वाई में सॉरी व्यूज़ के अंदर और इसके अंदर इंपोर्ट करते हैं अपने सॉरी व्यूज एपीआई में इस हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा क्या लॉग आउट लॉग आउट इंपोर्ट करते हैं और ही एक फंक्शन बना लेते हैं डेफ लॉग आउट व्यू करके रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट डॉट यूजर और रिटर्न करा दिया इसको मेन पेज पे लॉगआउट व्यू को हम यहाँ पे यू आर एल्स में अपने रजिस्टर करा लेते हैं बात ओके अब इस व्यू को हम चलते हैं अपने बेस्ड और एल में जहाँ पर हमने लॉग आउट व्यू लिखा हुआ है इसे पेस्ट कर देते हैं और एक बार इसको टेस्ट भी कर लेते हैं सॉरी यहाँ पे दोनों पे सेम लगे थे लॉग आउट टेक्स वन पोजिशन आर्गूमेंट बट टू given, आई uh, थिंक हमें रिक्वेस्ट यहाँ पे नहीं पास करनी पड़ती है ओके okay. ठीक है तो ये हमारा इस तरीके से लॉग इन लॉगआउट वाला लॉग लॉगआउट वाला फंक्शनैलिटी काम करने लगा है अब हम चलते हैं यहाँ पे जिसमें हम चेक करेंगे इसको हम एक ऑथेंटिकेशन वाला वो भेजेंगे मतलब आ, क्या कह सकते हैं एक टोकन भेजेंगे जब तक वो ऑथेंटिकेट यूज़र नहीं होगा तब तक उसको हम लॉगिन नहीं करेंगे तो यहाँ पे हम दो तो, तीन तरीके हो सकते हैं इस चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए सबसे पहले या तो हम जैंगो के जो मॉडल है यूज़र मॉडल उसको हम ओवर करें ठीक है ओवर करके हम उसमें एक फील्ड बनाए एक टोकन और इज ऑथेंट इज़ वेरीफाइड करके या तो एक सिंपल सोल्यूशन ये हो सकता है हमारे पास में कि हम यहाँ पे एक प्रोफाइल क्लास नाम से क्लास बना लें जो कि हम अभी बना रहे हैं और उसमें एक वन टू वन रिलेशनशिप दे दें या फॉरन की दे दें दे यूज़र का और उसी से हम चीज़ें यहाँ पे कैप्चर कर लें यूजर और ऑन डिलीट मॉडल्स डॉट ओके अब यहाँ पे एक वेरीफाइड करके हमने टेबल बना ली मॉडल्स डॉट बुलियन फील्ड जो कि डिफॉल्ट रहेगी फॉल्स और यहाँ पे एक टोकन फील्ड रहेगी है ना और इसकी मैक्स लेने दे देते हैं हम हंड्रेड की तो इसमें हम टोकन जैसे ही हमारा यूजर क्रिएट होगा वैसे ही इस प्रोफाइल मॉडल में हम चीज़ें ऐड करेंगे इस वेरीफाइड और इस टोकन को और उसके बाद तुरंत ही इसको मेल भेज देंगे तो चलते हैं अपने पाइथन मैनेज डॉट पी वाई मेक माइक्रेश ओके पाइथन मैनेज डॉट पी वाई ज डॉट पी वायन सर्वर ठीक है तो अब हमें चीजें काम अब हमें रजिस्टर वाले पे फंक्शनैलिटी पे कॉल करना काम करना होगा जो कि हमने यहाँ पे बनाया हुआ है तो जैसे ही हमारे पास डेटा आएगा है ना जैसे हम यहाँ पे ये क्रिएट कर रहे हैं सॉरी कहाँ गया ये यूजर ओबीजे डॉट पासवर्ड वैसे ही हम यहाँ पे प्रोफाइल मॉडल में चीजें ऐड करेंगे तो इम्पोर्ट कर लेते हैं अपने होम प्रोफाइल मॉडल को फ्रॉम डॉट मॉडल्स इम्पोर्ट प्रोफाइल ठीक है अब इस प्रोफाइल मॉडल में प्रोफाइल डॉट ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट करेंगे जहाँ पे यूजर में डाल देंगे क्या हमारा यूजर ओ और टोकन में यहाँ पे हम फंक्शन कॉल करेंगे जो हमने हेल्पर्स में फंक्शन बनाया था गेट रैंडम स्ट्रिंग करके ओके इसी वजह से जैसे ये फंक्शन हेल्पर्स डॉट पी वाई में चीजें रखी जाती हैं यूटल्स डॉट पी वाई करके फंक् मतलब एक फाइल बना ली उसमें जो भी फंक्शन होते हैं जिनको तुम अक्रॉस द प्रोजेक्ट यूज करोगे उन फंक्शन को वहाँ लिख लोगे और बार बार कॉल करते रहोगे तो अगेन यहाँ पे हम इसको कॉल करेंगे और इस बार इसकी जो लेंथ होगी वो होगी सपोज दैट हम कर सकते हैं यहाँ पे ट्वेंटी कैरेक्टर्स की है ना और यहाँ पे हमें इसे भी इम्पोर्ट करना पड़ेगा तो फ्रॉम डॉट हेल्पर्स इम्पोर्ट ऑल सारे चीज़ों को हमने इम्पोर्ट कर लिया ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट यूज़र फिर अब हम ये यहाँ पे चेक भी करना होगा जो यूजर ओ बी जे है यहाँ पे हम चेक करेंगे इफ इफ प्रोफाइल डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर यूजर नेम की जगह पे होगा यूजर यूजर इज इक्वल टू चेक यूज़र डॉट फर्स्ट अगर ये एग्जिस्ट करता है डॉट फर्स्ट डॉट इज वेरीफाइड ओके okay. अगर ये नॉट है मतलब इज वेरीफाइड हमारा फॉल्स है तो हमें क्या करना होगा तुरंत इसको यहाँ पे भेज देना पड़ेगा योर प्रोफाइल इज नॉट वेरीफाइड करके और एक्सेप्शन रेज करेंगे प्रोफाइल नॉट वेरीफाइड ठीक है अब देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं सबसे पहले तो हम यूजर तो हमारे पास आ ही गया था अब उसकी प्रोफाइल ऑब्जेक्ट में जाकर के चेक कर रहे हैं प्रोफाइल डॉट ऑब्जेक्ट डॉट फिल्टर यूजर इज इक्वल टू चेक यूजर हमें मिल गया पहला यूजर हमें मिल जाएगा उसके बाद में इज वेरीफाइड अगर उसकी इज वेरीफाइड फॉल्स है है ना अगर फॉल्स है तो क्या करेंगे यहीं पे इसको एक्सेप्शन रेज करा देंगे भाई तुम्हारी प्रोफाइल वेरीफाइड नहीं है तुम कहाँ से आगे लॉग लौगाँ, लॉग इन कर पाओगे पहले वेरीफाई तो करवा के आओ तो तुरंत तो यहाँ पे ये बाहर आ जाएगा वैसे ही जैसे ही हम यहाँ पे ये कर रहे हैं तो प्रोफाइल डॉट ऑब्जेक्ट अब यहाँ पे हम सेंड मेल वाला फंक्शन कॉल करेंगे और सेंड मेल के लिए फंक्शन कॉल करने के लिए चलते हैं अपने हेल्पर्स में और यहाँ पे फंक्शन कॉल करते हैं डेफ सेंड मेल टू यूजर जो कि यहाँ पे लेगा क्या टोकन ईमेल लेगा और एक चीज और यहाँ पे फंस रही है यहाँ पे हम जो यूजर का है यूजर नेम ले रहे हैं तो यूजर नेम को हमें एज आ ई पास करना पड़ेगा या फिर वहां पर एक फील्ड हम और ऐड करें किस चीज की ई की तभी तो हम उसको वेरीफाई करवा कर पाएंगे है ना तो वो चीज भी करनी पड़ेंगी तो सबसे पहले इसको हम पास कर देते हैं सो अब चलते हैं अपने ईमेल वेरिफिकेशन के पार्ट में और सेटिंग्स डॉट पी वाई में तुम्हें कुछ सेटिंग्स लिखनी पड़ेंगी ई मेल के लिए वो ई मेल सेटिंग मैंने लिख ली है ई मेल पैक एंड ये करके और ये तुम्हें डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएंगी और तुम कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो कहीं से ये बेसिकली एस एम टी पी है जी मेल का मतलब सर्वर यूज़ करने के लिए ई मेल मेलिंग के लिए हम वो यूज़ कर रहे हैं ठीक है उसके बाद में अब हम चलते हैं अपने इसमें हेल्पर्स uh, में जो हमने फंक्शन बनाया था सेंड मेल करके वो एक क्या लेगा यूज़र का जो टोकन होगा वो लेगा और उसके बाद में उसका ईमेल लेगा अब उस टोकन और इस ई से हम उसे मेल भेजेंगे तो सबसे पहले जो होगा हम इसमें सब्जेक्ट बना लेंगे क्या सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के लिए हम एफ स्टिंग यूज़ करेंगे योर अकाउंट नीड्स टू बी वेरीफाइड करके ओके okay, अब उसके बाद में मैसेज होगा मैसेज में हो जाएगा आपका तुम्हारा ये हाय पेस्ट द लिंक टू वेरीफाई अकाउंट और उसके लिए जो हमारा राउट है वो ये हो जाएगा और यहाँ पे लिखेंगे क्या वेरीफाई और यहाँ पे वो हमारा टोकन आ जाएगा ओके फिर जैसे ही ये टोकन आ जाएगा फिर ई मेल अंडरस्कोर फ्रॉम ये हमें सेटिंग्स डॉट पी वाई से लेकर के आना पड़ेगा तो सेटिंग्स डॉट ई अंडरस्कोर होस्ट अंडरस्कोर यूजर और सेटिंग्स के लिए इंपोर्ट करने के लिए लिखते हैं फ्रॉम जैंगो डॉट कन्फ इम्पोर्ट सेटिंग्स ओके ई मेल होस्ट यूजर हो गया हमारा फिर रिसेप्शन लिस्ट लिखनी होती है आर सी आई ई पी आई ई एन टी रिसप्शन लिस्ट में हम पास करेंगे अपना ईमेल जो भी हमें ईमेल मिला होगा और उसके बाद में हम सेंड ईमेल नाम से सेंड मेल नाम से फंक्शन कॉल कर लेते हैं और सेंड नहीं सेंड ईमेल में हम पास करेंगे सब्जेक्ट मैसेज रिसेप्शन लिस्ट करके और रिटर्न करा देंगे क्या ट्रू और इंपोर्ट कर लेते हैं अपना सेंड मेल वाला फंक्शन तो फ्रॉम जहंगो डॉट कोर डॉट मेल इम्पोर्ट सेंड अंडर स्कोर मेल तो ये हमारा सेंड मेल नाम से फंक्शन हो गया और क्या करना होता है हमें यहाँ पे मैसेज इसमें हमें ईमेल फॉर्म भी पास करना पड़ता है तो आई थिंक ये चीजें हो गई हैं अब हम चलते हैं अपने इस फंक्शन को कॉल करेंगे तब जब हम हमारा यूजर क्रिएट होता होगा तो सेंड मेल में हो गया यहाँ पे हम पास करेंगे सबसे पहले ये पा... क्या चीज ले रहा है पहला हो गया टोकन दूसरा हो गया ई तो टोकन पास कर देंगे और पास कर देंगे और टोकन जो हमें मिलेगा टोकन हम इस फंक्शन से उठा लेंगे नाम से हो गया फिर ईमेल जो मिलेगा वो हमारा क्या हो गया डाटा डॉट गेट यूज़र नेम जो कर रहे हैं उसी को हम ईमेल कर लेंगे सेंड ईमेल और यहाँ पे हम एक चीज़ ये कर सकते हैं जो चीज़ें हम पास आउट कर रहे हैं यूजर डॉट क्रिएट यहाँ पे हम इसे कर सकते हैं ईमेल में भी डाटा डॉट गेट यूज़र नेम पास कर देते हैं मतलब ई जो जो पर्सन का ई मेल हुआ वही उसका यूज़र नेम हो गया ठीक है तो ई मेल और यूज़र नेम दोनों वहीं जगह सेट हो जाएंगे तो ये सेंड ई मेल नाम से फंक्शन कॉल किया ये हुआ फिर अब हम चलते हैं अब इस फंक्शन को एक बार चेक कर लेते हैं रजिस्टर पेज भी बना लेते हैं तब तक तो रजिस्टर पेज में हमें चाहिए होगा यूजर नेम और पासवर्ड और फिर से अपने चलते हैं मेन डॉट जी एस में, में। यही फंक्शन पूरा कॉपी कर लेते हैं ओके इसको पेस्ट करते हैं यहाँ पे फंक्शन का नाम चेंज करते हैं रजिस्टर रजिस्टर ठीक है और यूजर नेम पासवर्ड के से साथ सेंटर बोथ जो एपीआई होगी वो हमारी रजिस्टर वाली होगी और ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम भेज देंगे आ, इसको अभी हम यहाँ पे हटा देते हैं और कंसोल डॉट लॉक कराते हैं रेस्पॉन्स ठीक तो आई थिंक रजिस्टर वाले फंक्शन को अब हमें यहाँ पे कॉल कराना चाहिए तो जैसे ही ऑन क्लिक होगा तो रजिस्टर वाला फंक्शन कॉल होगा अब इसको एक बार चेक कर लेते हैं ईमेल डालते हैं जी जी फोर जीरो ऐट द रेट ऑफ जी मेल डॉट कॉम वन टू थ्री समथिंग वेंट रॉन्ग और अच्छा अभी हमने जहाँ पे कुछ गलत किया हुआ है इसको भी हो कर देते हैं ओके तो मतलब हमारा यूज़र तो बन चुका था अगर हम यहाँ पे एडमिन पैनल में जाएंगे तो यूजर देखो बन गया था अब जी जी फोर जीरो बाकी अब हमारा क्या पार्ट बचा हुआ है वो वाला ई मेल वाला तो क्या करते हैं ईमेल वाले में पासवर्ड वगैरह सही डाल करके एक बार टेस्ट कर लेते हैं ओके सो so, ट्राई करके देखते हैं कि क्या ईमेल जाता है समथिंग वन रॉन्ग म आज वर्ड नॉट एक्सेप्टेड चलो आ, मतलब ये था इशू था कि ई मेल पासवर्ड नॉट मैच करके आ रहा है तो हो सकता है मैं पासवर्ड शायद भूल गया हूँ कोई इतना इशू है नहीं तो क्या करते हैं अपना सक्सेस वाला राउट बना लेते हैं जिसमें जैसे ही कोई कॉल करेगा उस पे तो हम उसे कॉल करेंगे मतलब वहाँ पे उसकी वेरीफाइड को ट्रू कर देंगे तो डेफ वेरीफाई करके हमने एक राउट बनाया ओके okay. यहाँ पे रिक्वेस्ट आ गया यहाँ पे आ गया टोकन और टोकन से हम उसकी प्रोफाइल को पहले गेट करेंगे ट्राई प्रोफाइल ओ बी जे इज इक्वल टू प्रोफाइल डॉट ऑब्जेक्ट डॉट फिल्टर टोकन इज इक्वल टू टोकन और अगर इसकी प्रोफाइल हमें मिल जाती है तो हम क्या करेंगे इफ़ प्रोफाइल ओ बी जे तो फिर प्रोफाइल ओ बी जे डॉट इज वेरीफाइड इज इक्वल टू ट्रू और प्रोफाइल ओ बी जे डॉट सेव और रिटर्न करा देंगे उसको हम रिडायरेक्ट डायरेक्ट लॉग इन पेज पर अदरवाइज वही रिटर्न करा देंगे उसको मेन पेज पे ठीक और वेरीफाई नाम से ये बन गया अब चलते हैं यू में और इसको हम ऐड करते हैं पाथ वेरीफाई और यहाँ पे आएगा टोकन वेरीफाई और ये वेरीफाई तो अब एक बार चेक कर लेते हैं कि वेरीफाई राउट काम करता है कि नहीं ओके सो जो ये यूज़र है एक सेकेंड हमने यहाँ पे कुछ कमेंट कर दिया था अभी टेस्टिंग पर्पज़ के लिए व्यूज़ uh, एपीआई में ओके okay. बस को फिर से यहाँ पे बनाते हैं अभी जी जी फोर जीरो ऐट द रेट ऑफ जी मेल डॉट कॉम वन टू थ्री और इस प्रोफाइल मॉडल को हम अपने एडमिन डॉट पी वाई में रजिस्टर करें ताकि हम इसका देख एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर प्रोफाइल और इसे हम यहाँ पे इंपोर्ट करा देते हैं ओके okay. सो so, अब चलते हैं अपने प्रोफाइल में और इसका जो टोकन होता है वो देखते हैं क्या टोकन इसे मिला था यहाँ पे इसने दिक्क़त कर दी ये क्या हुआ यहाँ पे? जो व्यूज़ एपीआई है ये प्रोफाइल सेंड मेल फंक्शन में इशू आ गया होगा ठीक है तो अब चलते हैं एक बार फिर से यूजर्स में और इसको इसकी प्रोफाइल को करते हैं डिलीट यूजर क्रिएटेड प्रोफाइल ऑब्जेक्ट टू टोकन ये आया Verify, वेरीफाई uh, verify, ये यू आर एल हमारा थोड़ा सा गलत हो गया है यहाँ पे होगा टोकन ओके okay, सो so अब इसको एक बार फिर से रीलोड करते हैं पेज को तो हमारा जो इसका ये वेरीफाई है ये इसका ट्रू हो जाएगा तो अब ये लॉग इन कर लेगा ठीक है तो इस तरीके से ये हमारा ब्लॉग का एप्लीकेशन पूरा कंप्लीट होता है अब ऑथेंटिकेशन वगैरह जो भी थे जो ब्लॉग वगैरह था सब चीज़ें बन चुकी हैं अब इसको एक बार तुम ट्राई करना अगर तुम्हें कोड चाहिए हो तो ये तुम्हें वहाँ पे मिल जाएगा गिटअप पे तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में वीडियो में अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गुड बाय